दिन आप कंटिन्यू कर करके आप एक दिन टाइम निकालिएगा, कल आपको लाइव आकर के बता देंगे किस तरह से क्या पोर्टल ओपन हुआ है, क्या क्या चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं, तो हम आपको लाइव आकर के बता देंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहें, आप उसके लिए निश्चिंत रहें किस तरह से आपको करना है, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। ये देख सकते हो आपको लाइव में, यहाँ से मैं क्वेश्चन कैरी कर लूँगा, 1 मिनट। इस तरह से आप लाइक करते चले जाएगा, लाइकों की संख्या बढ़ाते जाएगा। ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि जितना आप करेंगे इस रिकमेंड करेगा यूट्यूब, यह है कि इस तरह से आपको रिकमेंड करेगा दूसरे लोगों को। यहाँ से मैं आपको कमेंट्स देख लेता हूँ। चलिए, हेमंत यादव ने से सर यहाँ से क्लियरली आपको दिख भी रहा होगा मैं किस किस क्वेश्चन को जवाब दे रहा। दीपक कुमार के सर, एससी में मेल का कटअप कितना जाएगा? मैंने अभी बताया एससी का मेल का कटअप आपको जो जाने वाला है, ये इस तरह से आप देख सकते हैं, ये आपका एससी कैटेगरी का है। अगर मेल है तो आप लगभग 42 प्लस, आप जितने भी लोग हैं 40 से लेकर के 45 के बीच में, तो आपके चांसेस बनती है कि आपका मेल में कोई नहीं रुकेगा। चल, जनरल का आपको पूछ रहे हैं आदर्श कुमार जी, मेरे पास व्हाट्सएप में क्वेरी आया है। तो जनरल आदर्श जी, आपको बताना चाहूँगा, आप ज्वाइन किए होंगे तो यहाँ पर आप सुन लीजिएगा, तो ऑलमोस्ट आपको 54 से लेकर 55 के बीच में जनरल के कैटेगरी होने वाली है। आप यहाँ पर सुन रहे होंगे तो आप बताइएगा, सर आ चुका हूँ। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्वेरी, यहाँ से मैं पिकअप कर देता हूँ। आई होप सो कि आपको, अगर आवाज़ में कोई दिक्कत आती है तो बता दीजिएगा, टीम कोई सूच रहेगा तो बता दीजिएगा, आप सुनते जाइएगा। सर, एससी में मेल का कटअप कितना जाएगा? मैंने बता दिया आपको सर। नेक्स्ट है, आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य आपके ताचर पर कर सकते हैं, ये वह भी हमारे सरकारी होते हैं, बिल्कुल आप करवा सकते हैं। आवासीय जितने भी हैं विद्यालय के आप प्रधानाचार्य हैं, आप बुझाकर खुद से पूछिएगा, सर आप मुझे एक स्टेट ऑफिसर का साइनिंग चाहिए और बीपीएससी का ये नोटिस आया है, तो वो खुद आपको बता देंगे कि हाँ ये मैं एलिजिबल हूँ या नहीं एलिजिबल। जितने भी हाई स्कूल है उनमें चले जाएगा, खास करके 1 to 5 वाले जो प्रिंसिपल होते हैं, या इनसे नहीं, आप हाई स्कूल वाले या कॉलेज के प्रिंसिपल, उनसे आप सिग्नेचर करवा सकते हैं, और डेट के साथ करवाइएगा, क्योंकि मेरे पास कई लोग सिग्नेचर करा के फोटो भेज रहे हैं व्हाट्सएप पर, तो उनमें डेट मिसिंग है, उनका पदनाम मिसिंग है। अलग फोटो मैं आपको एक शेयर भी कर दूंगा व्हाट्सएप में किस तरह से। फाइनल कटअप बताइएगा सर, एससी का, एससी मेल का फाइनल कटअप आपको इस तरह से रहने वाला है, एससी का आपका रहने वाला, अगर ये फीमेल का है, नीचे मैंने मेंशन कर दिया, ये फीमेल का लगभग 38 से लेकर के 40 के बीच में रहेगा, फाइनल आपका रहेगा 40 से लेकर के 40। आप बता सकते हैं आपका कितना नंबर बन रहा है, दीपक जी आप बताइएगा आपका कितना नंबर बन रहा है, आप अपना क्वेरी बताइएगा आपका कितना नंबर बन रहा है, मैं आपको उस हिसाब से गाइड कर दूंगा। आप नेक्स्ट जो इतने भी वैकेंसी आ रहे हैं उसके लिए प्रिपरेशन जरूर कीजिएगा, डीएलएड है या फिर बीएड वाले हैं, सभी लोग अपने तैयारी के लिए कमर कस कर लीजिए। और जितने भी मैंने ऑलरेडी फर्स्ट टाइम जो आपका बीपीएससी जो हुआ था उसमें सभी चीज़ विस्तार से मैंने बताया है, इसको फिर से हम स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से फिर से स्टार्ट करेंगे, इन द सेंस कि हम समझेंगे आपको कुछ भी नहीं होता है, और हम एक एक चीज़ को, मैथ्स हो, रीजनिंग हो और जीके जीएस, सभी चीज़ों को हम नस्त नाबूद करेंगे, उसमें आप निश्चिंत रहें, जितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सर दीपक, 47 आपका, निश्चिंत रहें सर आप 47, इवन आपका ईडब्ल्यूएस के कटअप को आप पार कर जाएंगे, यूआर के कैटेगरी को नो डाउट आप नहीं पार कर पाएंगे, अगर आपके पास 7-8 नंबर और होता तो आप यूआर के सीट को खा जाते हैं। 47 नंबर है आपका, हो जाएगा सर, आप बस अपने डॉक्यूमेंट्स जो आप जाति प्रमाण पत्र या आपने आवासीय डाला है सभी चीज़ अच्छे सर्टिफिकेट को एक बार रीचेक कर लीजिएगा, कल से लेकर के 25 तारीख तक, यानी 21 से 25 तक आप रीचेक कर लीजिएगा, कोई इशूज रहता है आप बता सकते हैं, कोई इशूज रहेगा आप इस बीच में हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है स्टार्टिंग में ही, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़े रहिएगा। एग्जामिनेशन से लेकर के मैंने स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक, यानी कि लास्ट मोमेंट तक हम आपका साथ देंगे ज्वाइनिंग लेटर तक, ये साथ में साथ सीरीज वाइज अब चलते जाएगा, क्योंकि सेकेंड वैकेंसी 70,000, इवन हमको लगता है 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि ये प्रस्तावित अभी का है, और जो इतना रिमेनिंग जो वैकेंसी बच जाएगा लगभग 90,000 से ज़्यादा वैकेंसी आपको इसमें बचेगा, सॉरी 20-25,000 आपको 11 से 12 में बचेगा, लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये, 10 हज़ार वैकेंसी आपको मिलेगा आपको 9 से 10 पे। ये 1 to 5 में पीआरटी में कोई वैकेंसी नहीं बचने वाली है, लेकिन मैं आशा करता हूँ, और उनके लिए कई लोग मेरे पास पर्सनली क्वेश्चन कर रहे हैं, सर उसमें आवाज़ उठाइएगा, क्योंकि पीआरटी में कई लोग इस बार चूक गए हैं किसी कारण, अपेयरिंग के कारण, डीएलएड उनका क्लियर नहीं हुआ, सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे किसी कारण बस, या फिर फॉर्म डिले होगा, कुछ ना कुछ रीजन के कारण वो इस बार नहीं दे पा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आने वाले टाइम में वो पीआरटी फिर से एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको पता है ये बोर्ड की राजनीति है, और ये अगर वैकेंसी चूक जाते हैं आप लोग तो आने वाले लगभग 4 से 5 साल कोई वैकेंसी बिहार में नहीं देखने को मिलेगा। सिमिलरली आपको बिहार इंटर के इसलिए देखने को मिल रहा है आपको,
क्योंकि बहुत आपको इलेक्शंस का टाइम है और हर एक सेक्टर में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। और यूपी में मैंने वैकेंसी नहीं देखने को मिल रहा है कई सालों से, एमपी से में नहीं दिख रहा है को मिल रहा है। राजस्थान में वैकेंसी आने वाली है, उसके बारे में आपको बता देंगे। राजस्थान के जितने भी लोग हैं वो आप बता सकते हैं। चलिए कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। चलिए, नील्स 43 फिजिकल हैंडीकैप्ट में डीएलएड में बिहार से हैं सर, बिहार से हैं। हाँ, उसमें फिजिकल हैंडीकैप्ट में 32+ वाले को मैं मानता हूँ सिलेक्शन आपका हो जाएगा। एनी हाउ आपको 43 है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा। कितनी परसेंट आपका फिजिकल हैंडीकैप्ट है बताइएगा, आपको कोई इशूज नहीं होना चाहिए। कुमारी सर, मैं बिहार से, सर मैं बिहार से फीमेल कैंडिडेट हूँ, मेरा 41 नंबर हो रहा है, क्या हो सकता है इसमें आप बताइएगा। कौन से कैटेगरी से आप हैं कुमारी जी, क्योंकि आपका अगर बिहार से फीमेल कैटेगरी में जनरल में है तो थोड़ा इशूज होगा। अगर आप कैटेगरी ओबीसी है या EWS SC कुछ आप होल्ड करते हैं, आपके पास है रिजर्वेशन कैटेगरी, तो आपको नो डाउट आपको कोई भी नहीं रोकने वाला है। ये सारी चीज़ें हैं, आप एक बार जरिए चेक कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है अभी से लेकर के ये 5 दिन तक लगातार इस पर सभी लोग डिस्कस करेंगे। और एक एक चीज़ों को चेक कीजिएगा। जो बिहार के लोग हैं उनको 7 डॉक्यूमेंट्स दिखेगा जो 1 to 5 के लिए। अगर आप 9th से 10th वाले हैं तो 8 डॉक्यूमेंट मिलेगा। अगर 11th से 12th वाले हैं तो आपको एक और एक्स्ट्रा 9 डॉक्यूमेंट्स टोटल देखने को मिलेगा। अगर आप बिहार से बाहर के अदर स्टेट के, चाहे जो भी हो, यूपी हो, बिहार, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, कहीं से भी हो, आपको टोटल 5 डॉक्यूमेंट्स ही दिखेगा प्राइमरी में। आप सिर्फ प्राइमरी में एलिजिबल थे, आप 9th से 10th, 11th से 12th में ऑलरेडी नहीं एलिजिबल है क्योंकि स्टेट पेपर आप लोगों ने दिया नहीं। इस बार मौका मिला था, स्टेट पेपर सभी लोग का आ चुका है और आंसर की भी आ चुका है। आप बताइएगा, कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, ऑलरेडी आई हैव दैट कन। चलिए इसके रिगार्डिंग आप बातें करते हैं। चलिए ये देख सकते हैं, ये आपका नोटिफिकेशन आया हुआ था कि कब से क्या चीज़ें चेंज, 21 से लेकर के 25 तक आपको चेंजेस कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर लॉगिन करना है, 100 KB से कम डालना है। सिग्नेचर की जिन लोगों का नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि उनका 50 KB, कई लोग का 75 KB से कम दिख रहा है, जिसके कारण वो ब्लर दिख रहा है या सिग्नेचर दिख ही नहीं रहा है, तो उनको फिर से अटेस्टेड करके अपलोड करना है। ये 15 तारीख का नोटिफिकेशन था, आप इसको देख सकते हैं। चलिए, दूसरे चरण में आपको 70,000 विशेषकों की बहाली होगी। ये सारी चीज़ें आपका, ये जितने भी लाइव जुड़े हैं आप क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, इन सारे बीपीएससी पीआरटी सवाल जवाब में डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म रिजल्ट कब आएगी इसके बारे में डिस्कस करें। फॉर्म, जाति, आरक्षण, कट ऑफ, निवास, महिला, सीटेट नंबर, सब कुछ बारे में इसमें जानकारी हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आई होप सो। चलिए, एक क्वेश्चन और आ रहा है बार बार सर। ज्योति सर, मैं पहले से ही नियोजित शिक्षक हूँ और मैं UR कैटेगरी में हूँ, फीमेल से हूँ, मुझे 38 से 38 मार्क्स मिला 11 से 12 कमेंट्स में, अकाउंट्स में, तो आपको अकाउंट्स में कोई इशूज नहीं है क्योंकि उसमें सीटों की संख्या ज़्यादा है, अभ्यर्थी बहुत कम है, तो आपको हो जाएगा। ज्योति मैम, ऑलरेडी आप UG शिक्षक हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको ऑलरेडी आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। जनरल से यू हूँ, जनरल से हूँ, तो आपको मैडम कब मैंने बताया था आपको, थोड़ा आपका नंबर और भी आना चाहिए, ऑब्जेक्शन के बाद अगर बढ़ जाती है तो चांसेस बनती है। रमेश कुमार के सर, मैं SC से 62 नंबर है, क्या होगा सर? SC कैटेगरी से बहुत अच्छा नंबर है आपके सर, आपके ये भी नाम लगता है आपको UR कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दीपक कुमार, कास्ट प्लस रेसिडेंस में रोल का डिजिटल सिग्नेचर शो नहीं कर रहा है, क्या मुझे भी गजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवा करके लोड करना पड़ेगा? जी, इसी रिगार्डिंग मैंने अभी बात कर रहा था कि अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर नहीं दिख रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ से एक बार इंस्टॉल करके देख लीजिएगा, यहाँ से इंस्टॉल करके एक बार देख लीजिएगा, और कोई आपको लगता है कि डिजिटल सिग्नेचर नहीं दिख रहा है आपका भी, तो आप जा करके गजेटेड ऑफिसर से साइन करवा कर, कि आप जिस ब्लॉक से बनवाए वहीं के RO से जा करके साइन करवा करके डेट के साथ और पदनाम के साथ उनको वापस उसको अपलोड कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अपलोड करते समय आप 90 से 95 KG KB की तक ही रखिएगा, ज़्यादा क्रॉप या फिर कंप्रेस करने की कोशिश कीजिएगा, फिर ये सूझ हो जाएगा। और जैसे ही अपलोड कीजिएगा एक बार दोबारा सर, आप जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स है उसको रीचेक कर लीजिएगा। चलिए, दीपक कुमार का सॉल्व हो चुका है। ज्योति सर, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ऑलरेडी आपने UG से चेक है, अकाउंट्स में स्टूडेंट की संख्या बहुत ही कम है। सुकुंदन मंडल सर, 43 नंबर आपका बिहार से, आपका मंडल जी आपका हो जाएगा, नो डाउट्स। EBC में बहुत आपका संख्या कम है और कट ऑफ कम जाएगी।
चलिए, संख्या हालांकि बहुत ज़्यादा, EBC OBC में सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको यहाँ पर मिलता है, लेकिन आपको हो जाएगा, सीटों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अमरजीत ज्योति कुमारी सर 44 नंबर है EBC में, फीमेल में बिल्कुल आपको हो जाएगा। आप मेल से ज़्यादा ला रहे हैं, कुंदन कुमार से ज़्यादा ला रहे हैं, तो यहाँ पर आप एक दूसरे से यहाँ पर हालांकि पछवाड़ नहीं करना है, ना BA DL करना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वैभव मिश्रा जी से यूपी से 55 में क्या चांस है? सर चांसेज बनती है, 54+ जितने भी लोग हैं उनकी मैं मानता हूँ। आप मैंने डिजिटल बोर्ड पर भी आकर के कई बार बताया, अब मैं क्वेश्चन वो भी लूँगा जो मेरे पास ऑलरेडी आया हुआ है, क्योंकि आपके साथ साथ जो प्रीवियस में क्वेश्चन आया, क्योंकि मैंने कई लोगों को कमेंट का जवाब नहीं दे पाया। चलिए एक बार और सभी लोग लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, क्योंकि लाइकों की संख्या वहाँ पर जितने हैं वहाँ पर इतना नहीं दिख रहा है, एक बार लाइक कर दीजिएगा फटाफट। चलिए नेक्स्ट है तरुणस ब्रांड EBC में से, मैं हिंदी में नेम में मिस्टेक है हो गया है। अच्छा, EBC सर्टिफिकेट आपका है, हिंदी में नेम में मिस्टेक हो गया है, तो क्या करना होगा? वकील और प्रिंसिपल से दोनों से करवाना पड़ेगा। वकील से आपको करवाने की जरूरत नहीं, वकील कोई भी आपको प्राइवेट वाला या फिर अगर गो स्टेट ऑलरेडी सरकारी तो भी आपके शायद नहीं होते कि वो एलिजिबल होते हैं। प्रिंसिपल से आप साइन करवा लीजिए उस, या फिर आप ब्लॉक से, जिस ब्लॉक से आपने बनवाया है आपने उसी ब्लॉक में जाकर के दोबारा उस BDO SDO जो भी है आपका RO है, RO करते हैं रिवेन्यू ऑफिसर जिसको कहते हैं, उनसे साइन करवा करके वो अपलोड कर दीजिए, अटेस्टेड करवा करके। चलिए कमेंट्स अब तेजी से आ रहा है, लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग, एक बार लाइक करिएगा फटाफट, लाइक की संख्या जल्दी तेजी से बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा स्वार्थ कर सकते हैं। नेक्स्ट है EBC में 56 नंबर आपका बन रहा है, 56 में EW से, EBC में आपको 56 नंबर, दैट्स अ गुड नंबर, आई थिंक ये आपको UR में भी हो जाएगा। यहाँ पर कमेंट्स अच्छे से देख पा रहा हूँ, यहाँ से आपको क्लियर चेक कर रहा हूँ। चलिए लाइक की संख्या बढ़ाते जाएगा, देख सकते हैं लाइक तेजी से बढ़ाते जाएगा। अमरजीत कुमार सर सीट कब आ रहा है? ओमर सीट कब तक आ रहा है? ओमर सीट सर आपका जो संभावना है, आपका जब ये अपलोड आप कर देंगे 21 से 25 तक, उसके बाद आपका संभावना है कि 2 से 3 दिनों के बाद आपको देखने को मिलेगा ओमर सीट, उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित होगा, उसके बाद फाइनल मार्ट, उसके बाद पहले उसके बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, फाइनल आंसर की आएगा। अभी प्रोविजनल आंसर की चल रहा है, इसके रिगार्डिंग आपका देख सकते हो, फाइनल आंसर की जब आएगा तो सभी लोग का 5 से 6 नंबर बढ़ जाएगा। और कई ऐसे यूट्यूब है, कई लोग बोल रहे हैं सर कट ऑफ बहुत कम जाएगा, और स्टार्टिंग ही कर रहे हैं जनरल से कि आपका 70 नंबर आएगा, 65 नंबर आएगा UR का, OBC का मिनिमम 55 नंबर होना चाहिए, EWS का 48 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, आई नो बट इसमें, लेकिन नोटिफिकेशन में देखने में कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, जो 4,000 सीटें हैं मेल के लिए, 4,000 अगर आप ऑलमोस्ट है फीमेल के लिए, दोनों मिलाकर 8,000 सीट है। तो ये सारी चीज़ें आप नज़र अंदाज करके आप सीधे कट ऑफ बताएंगे, 55 नंबर जाएगा यहाँ से, 55 नंबर आएगा, कहाँ से लाएंगे? मैंने पोल करवाया था लास्ट टाइम, मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ, तो पोल आप जब देखेंगे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, पोल जब मैंने करवाया था जब कम्युनिटी पोस्ट में आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, ये देख सकते हैं पोल, देखिए पोल मैंने करवाए थे, देखिए 1 to BTC वाले ओनली आप सब्सक्राइब बताइएगा, तो कितने लोग हैं जो कि 50 से 60 के बीच में आए, बहुत ही कम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जो आपका, चलिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जो, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब काफ़ी तेज़ी से आप कमेंट्स आ रहा है, तो ये कमेंट्स भी साथ में पिक करते जाएंगे, जो आपका जो देख सकते हैं आप, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में जो आप किया था, ताकि मैंने सारे ये क्वेश्चन टैब खोल कर रखा हूँ ताकि आपके क्वेश्चन को भी पुट अप कर सको, ये देख सकते हैं सर वैकेंसी जो 6,320 पास हो चुका है, चलिए ऑलरेडी मैंने बता दिया है इसके बारे में, बहुत फास्ट बोलते हैं सर, कई लोग मेरे पास किए हैं, इन पर मैंने रिप्लाई भी किया, चलिए कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे बोलने की कोशिश करूँगा। चलिए विकी सिग्नेचर सर डिजिटल सिग्नेचर नहीं दिख रहा है, क्या करना है? मैंने बताया अभी आपका प्रदीप कुमार सर या दीपक कुमार ने सेम क्वेश्चन पूछे थे, एनी हाउ मैं फिर से बता देता हूँ, डिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर को आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका EWS हो या फिर जाति प्रमाण पत्र हो या डोमिसाइल, इसमें डिजिटल सिग्नेचर नहीं दिख रहा है और आपके में दिख रहा है ओरिजिनल जो आपके हाथ में है, उसको हार्ड कॉपी को प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, ओरिजिनल पर नहीं करवाना है, प्रिंट आउट करवाना है यानी फोटो कॉपी करवाना है उसका, फोटो कॉपी करवा करके उस पर जाकर के गजिस्ट्रेड ऑफिसर से साइन और डेट मोहर लगवा करके उसको अपलोड कर देना है, और उनका पदनाम पोस्ट कहाँ पर वो कर रहे थे वो सारी चीज़ें आप एक बार डाल दीजिएगा, जो आपके कल से अंकित होगा मैं आपको पोर्टल पर लाइव आकर के दिखा दूंगा। सूरज साहू एक बार कमेंट्स में देख लेता हूँ, कई लोग कमेंट्स में अल्लाह बोल दिया देख सकते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं बार बार, इसको थोड़ा सा और विस्तार कर सकते हैं क्या? चलिए
एनी हाउ देख सकते हैं कमेंट्स में कई लोग हैं बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं सर सर निवास और जाति और ईद EWS ओके तेजी से लिख रहे हैं EWS है सभी में हिंदी में गलत नाम दिया गया है, गलत नाम दे दिया गया है तो आप वकील में या नहीं आपको मैंने बता दिया आपको वकील से नहीं आपको प्रिंसिपल से साइन करवा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पिक कर लेता हूँ यहाँ से सर यूपी से क्या होगा 55 नंबर है क्या होगा चांसेस है सर सीबीआई सिंह जी आपका चांसेस बनता है 55 नंबर में 54 प्लस जितने भी लोग हैं उनके चांसेस मैं मानता हूँ आपको नो डाउट आपको चांसेस बनता है। सर मैं यूपी से हूँ इंटर पास डीएलएड भरा हूँ जबकि मैं ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड मुझे कोई भी दिक्कत होगी या सुधार करना होगा दिक्कत होगी क्योंकि आपने के पास मैंडेटरी है यूपी में सभी लोग का मैंडेटरी होता है ग्रेजुएशन के बाद आप डीएलएड करते हैं हालांकि बिहार में अलाउ किया जाता है 12th के बाद कर लेते हैं आप चेंज कर लीजिएगा आपको ऑप्शंस कल मिलेगा पोर्टल में जाकर के चेंज करना कोई भी चार्जेस नहीं लगे अच्छी बात है कि आपको चार्जेस पे नहीं करना पड़ रहा है आप दोबारा से चेंज कर लीजिएगा मैंने बता दिया। नेक्स्ट है सूरज साहू जी सर डीएलएड के बाद ग्रेजुएशन किया हूँ और 62.8 के लिए एलिजिबल हूँ क्या अच्छा 6-8 के लिए आप एलिजिबल हैं हाँ ग्रेजुएशन के आपने डीएलएड किया है क्योंकि प्रीवियस जो आपका हायरिंग हुआ था ऑफलाइन एग्जाम सर मार्क्स बेसिस पर हुआ था उसमें भी एलिजिबल थे और एनसीटी के जो गाइडलाइंस हुए थे 2018 के हिसाब से उसमें भी अलाउ है अभी सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जो फाइनली आता है तो इसमें आप अगर कुछ चेंजेस आता है ऑफिशियली कोई चेंजेस आता है तो बता देंगे लेकिन अभी आप एलिजिबल हैं आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें। सूरज जी कुंदन कुमार का सर मैं बिहार से हूँ टीआरई एप्लीकेशन में इंटरमीडिएट प्लस डीएलएड बदले ग्रेजुएशन डीएलएड हो गया है आगे क्या करना हो समझ नहीं आ रहा है कोई इशू नहीं है आप दोबारा कल से पोर्टल ओपन होता है मैं आपको लाइव आकर के बता दूंगा कौन कौन सा इशूज है क्योंकि मेनली जो आपका इशूज है यही सारे इशूज है आप देख सकते हैं। एक तो आपका है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं अभी वही डिस्कस कर रहा हूँ फॉर्म में क्या क्या आपका जो है इशूज वो आपने डाला है रिजल्ट कब तक आएगी रिजल्ट आपका लगभग आपको मैं उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं डीवी के लिए और मार्कशीट कब आएगी जाति आरक्षण कट ऑफ निवास महिला के लिए कितना सीटेड नंबर चाहिए कई लोग इसमें कंफ्यूजन दे रहे हैं अलग अलग यूट्यूबर वाले अलग अलग ज्ञान दे रहे हैं इसमें और कहीं भी नोटिफिकेशन नहीं मेंशन है आगे कल के भी इंटरमीडिएट आपका आया था बिहार इंटर लेवल का मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग का समझ नहीं आते बिहार इंटर लेवल का जो है उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है अभी अन्य राज्य के लिए कि कोई भी हो चाहे किसी भी कैटेगरी से हो एससी एसटी फाइव महिला आपको 90 नंबर यानी कि जनरल में काउंट किया जाएगा 90 नंबर लाना जरूरी है। चलिए अदर खुश करने के लिए हम आपको बोल दें कि आपके 82 में हो दैट्स नॉट अ गुड थिंग्स आपको वहाँ पर भी दिक्कत हो जाएगी अदर स्टेट्स या फीमेल के मार्क्स में कितना होगा मैंने बता दिया बिहार में शिक्षकों के बम्पर बहाली जल्द निकलेगा विज्ञापन अभी विज्ञापन आया नहीं या आपका जब फाइनल विज्ञापन आएगा तो मे बी वैकेंसी और इंक्रीज होकर के आए सेकेंड फेज स्टार्ट हो गया सीटेट दिसंबर वाले अप्लाई होंगे कि नहीं होंगे ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर मेरा टीआरई में 50 नंबर है ओके टीआरई में आपको 50 नंबर है कोई चांस है अगर आप कैटेगरीज में है तो चांसेस बनती है अगर यू आर से अनरिजर्व हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी कि 2-4 नंबर आपका कम है। तानिया सिंह सर 10th के डॉक्यूमेंट्स में फादर के नेम में थोड़ा गलती हो गया थोड़ा ए बी सी डी कुछ भी गलती हो गया तो आप एफिडेविट मान्य होगा बिल्कुल मान्य होगा और उसको अपलोड जो आप ओरिजिनल आपने करवा रखा है अटेस्ट करवा करके एक लाइन वहां पर साइन करवा करके अपलोड कर दीजिएगा कल आपको पोर्टल ओपन हो जाएगा। सर EWS में मैंने नेम में ही गलत कर दिया है क्या करना पड़ेगा जाति निवास में भी हिंदी में यानी जाति निवास जो हिंदी में भी गलत है अगर मेनली अगर इंग्लिश में आपका सही है क्योंकि फाइनल जो रिजल्ट आप देखते हैं रिजल्ट आपका जो क्लियरिफाई किया जाएगा वो आपका है इंग्लिश में किया जाएगा अगर आपके इंग्लिश में सही है तो कोई दिक्कत नहीं है फिर भी एनी हाउ आप अपने सेफ्टी के लिए उसको अटेस्टेड करवा करके क्योंकि इसमें कोई चार्जेस लेना नहीं है आपको प्रिंसिपल्स के आसपास में डॉक्टर्स जो है सरकारी डॉक्टर उनसे करवा करके अपलोड कर दीजिए क्यों आप परेशानी लेंगे क्यों आप एक दो छोटे कार्यों के लिए आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छट जाए यहाँ पर वहाँ पर आपको क्वेश्चन जवाब देना पड़े आप उन वहाँ पर जाकर के डीबी के टाइम में पार्सल डीबी होता है या फिर शिक्षा विभाग आपका डीबी करते हैं यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आप वहाँ जाकर के फाइट नहीं कर सकते हैं अपने लिए अपने आपके पास तो सिर्फ अगर कागज रहेगा वो कागज ही आपको बोलेगा आपके डॉक्यूमेंट से आपको प्रूफ दिलाएगा क्योंकि ऐसे फर्जी बाड़े जो भी है पकड़े भी गए हैं ऐसे में आपको भी अभी दिखा भी देता हूँ मैं आपको न्यूज आपको कई ऐसे फर्जी बाड़े स्टूडेंट हैं जो कि पकड़े भी गए हैं 11th से 12th 9th से 10th में वो पकड़े भी गए उन सारी चीज़ों को आप मत कीजिए क्योंकि आपका
आप वहाँ वो बोलोगे या ना बोलो, आपका डॉक्यूमेंट्स बोलेगा कि मान लीजिए राहुल कुमार है, सभी डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है, कटअप को क्लियर करके आया है, तो कोई भी वहाँ नहीं रोकने वाला। अब मुंह में आप कई लोग गुटखा खा के जाएंगे, ये हालांकि आई डोंट वॉन्ट टू प्रमोट दिस थिंग, मुंह में मान लीजिए पान खा के गए या फिर आपने मिठाई रसगुल्ला पहले से डाल रखे हैं, कुछ भी मुँह नहीं खोलिए, आपके सारे सर्टिफिकेट ओके है, आपको पास साइन करवा करके आगे बढ़ा दिया जाएगा, कोई इशूज नहीं होगा। मैं एग्जांपल के तौर पर ले जाऊँ, एज ए कह सकते हैं मजाक के टर्म में, लेकिन आप बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं ये कह सकता हूँ, तो अपने तरफ से आप सही करवा लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 66 नंबर यूआर में बताइएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम होगा रजत पटेल जी, आपका कोई इशूज नहीं होगा। EBC में से 50 है सर, बिल्कुल हो जाएगा सर। SC से 37 नंबर है, बिल्कुल चांसेस बनता है। जितेंद्र कुमार आर्ट्स निशा सर, प्लीज़ जवाब दीजिएगा क्या आपका क्वेश्चन है, मैं आपका दोबारा पिक कर लेता हूँ, शायद आपका क्वेश्चन ऊपर चला गया, एक बार दोबारा कॉपी पेस्ट अपने क्वेश्चन को कीजिएगा, एक बार दोबारा कॉपी पेस्ट कीजिएगा। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन को जवाब दे पा रहा हूँ, और साथ में हम जितने भी कमेंट्स मेरे पास आया है वो सारे कमेंट्स को भी हम पिक करेंगे, अलग अलग वीडियोज में अलग अलग लोगों ने कमेंट्स किया है, आज ही एक वीडियो में मैंने अपलोड किया था उसके रिगार्डिंग कई लोगों ने मेरे पास कमेंट्स किया है, देख सकते हैं ये आपका कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाला था, और तो देख सकते हैं कितने। अगर आप BPSC TRA मिनिमम कट ऑफ जो हो गई 1 to 5 के लिए, ओनली BTC DLED के लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, क्या 30+ वाले लोग रह रहे हैं 36% कर रहे हैं, 35+ जितने भी हैं उसमें कर रहे हैं 6%, कई लोगों ने कमेंट्स भी इस पर किया, कमेंट्स भी देख ले लीजिए। 65 के भी बोल रहे हैं अदर स्टेट की कितनी कटअप रहेगी, क्वेश्चन कर रहे हैं अदर स्टेट की 54 से लेकर के 59 तक रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाले। 60 से 65 कोई ज्ञान अपना दे रहे हैं, कोई बोल रहे हैं 120 नंबर, दैट्स अ गुड थिंग्स, कोई बोल रहे हैं 80+ रहेगा, कई लोग यहाँ पर आकर के अपने अपने मजाकिया तौर पर ही सारी चीज़ ज्ञान भी देते हैं। 44% यहाँ पर जो आपके कटअप है, मैंने आपको ऑलरेडी बाइफरकेट करके मैंने बता दिया है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है, और इसके रीजन मैंने भी बताया था, क्योंकि ऑलरेडी 3.9 लाख BEd को बाहर कर दिया गया है, 99% बाहर ही हो चुके हैं, 1% आपको कन्फर्मेशन जो वापस नोटिस आ जाता है बिहार के BPSC साइट पर, तो आपको देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट है आपका, कई लोग कर रहे हैं रीजन और भी है, क्योंकि DLED वाले कई अपेडिंग भी हैं, उनका सर्टिफिकेट नहीं आया अभी तक, रिजल्ट भी नहीं आया, प्रकाशित नहीं हुआ, CTET में कई लोग डिस्को क्वालिफाई हो जाएंगे, 1 नंबर 2 नंबर से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, अदर स्टेट वाले को 80-90 नंबर लाना है, अगर 89 लाया या 88 आया तो वो भी वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। SC ST के, और इसमें भी 60-70% अदर स्टेट वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ 15,994 के लिए फाइट करेंगे, बाकी के जितने भी रिजर्वेशन में हैं और जिनके पास सर्टिफिकेट है और अपने आप को प्रूव कर पाते हैं, जिसे OBC है प्रूव कर पाते हैं, और उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी है और लेटेस्ट है, ये नहीं कि पिछले 2 साल पुराना 2020 का है, वो कई लोग अपलोड किए हैं, मैंने ही कई लोग का लास्ट एंड द मोमेंट में 22 तारीख का 22 जुलाई को मैंने फॉर्म भरा है, EW सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन उन्होंने लास्ट का डाल दिया, 2020 का है, 2021 का नहीं कंसिडर होगा, SC का डाल दिया है, ST का डाल दिया, नहीं कंसिडर होगा, एट द मोमेंट आपको रिव्यू में छाट दिया जाएगा। एनी हाउ मुझे हेल्प करना था, मैंने हेल्प कर दिया। चलिए नेक्स्ट, कई लोग को और भी है क्वेश्चन, है क्वेश्चन ये सर देख सकते हैं, PRT में जैसे मिनिमम कट ऑफ क्या रहेगी, मैंने ऑलरेडी पूछा है इसके रिगार्डिंग, सर DB में दिसंबर में ज्वाइनिंग होगी या नहीं, ये तो जनरल, सर आप एग्जाम में किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो देख सकते हैं इस तरह कॉमेडी पोस्ट में आप रिप्लाई करते रहिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप कर लेता हूँ, ये देखिए सर मेरा BPSC में PRT में 82 नंबर है, PRT में 82 नंबर है, क्या कट ऑफ में आ सकता हूँ, UP से हूँ, DLED किया हूँ आपका सर, बिल्कुल आपका इवेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी आपको, प्रदीप निषाद जी जो हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मिलेगा, जो आपने जो भी प्रायोरिटी आपने दिया हुआ, आई डोंट नो कि आपने कौन सा प्रायोरिटी कौन सा डिस्ट्रिक्ट पहले दिया है, पटना डाला है, इलाहाबाद सॉरी पटना डाला है, गया डाला है, या भागलपुर डाला है, या फिर जो भी आपने डाला वो आपको फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी मिला है, बस अपने डॉक्यूमेंट्स को सही कीजिएगा और जल्दी DB आपका होने वाला है उसके बाद। सर प्लीज़ जवाब दीजिएगा, मैंने दे दिया आपका जवाब। अब भाई पांडे जी सर, मैं UP से इंटर प्लस DLED भरा हूँ जबकि मैं ग्रेजुएशन DLED हूँ, आपको मैंने ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन का जवाब दिया हूँ, अब उसको चेक कल से चेंज कर लीजिएगा, उसको चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन प्लस DLED है, तो आप चेंज कर लीजिएगा जी। एडिट करने का ऑप्शन देना चाहिए, कई लोग आउट है, कई लोग का एरर आए, कई लोग मिसिंग है, कई लोगों ने साइबर कैफे वाले ने इशूज किया, साइबर कैफे वाले ने टिक कर दिया, वहाँ पर सब कुछ होने के बाद नियोजित शिक्षक पर टिक कर दिया, कई लोगों ने इशूज कर दिया, ये सारी चीज़ें हैं। सर मैं राजस्थान से हूँ, 57 नंबर आ रहा है, BST BTC यानी BTC वाले हैं, 57 में चांसेज है आपका। गुर्जर जी, मोना मोना जायसवाल, थैंक यू सो मच।
नेक्स्ट टाइम मैं सर मैं इंटर प्लस डीएलएड भरा हूँ। मैंने ओ भाई पांडे जी आपका जवाब दे दिया हूँ सर, मेरा सिक्स यू आर है 60 नंबर हो जाएगा बिल्कुल आपका सर हो जाएगा। चलिए एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप में। चलिए सर अपेयरिंग को वाले को मौका मिलेगा बिल्कुल, इसी टेट व अपेयरिंग 2023 दिसंबर की बात कर रहे हैं, इनको मौका मिलना चाहिए क्योंकि जितना डिले होगा आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर वैकेंसी और जल्दी आ जाएगी तो इशूज हो, अगर आपको जितना देरी होगा, हालांकि पिछली बार भी आपको मौका नहीं मिला था अपेयरिंग वाले को, लेकिन एट द एंड पटना सचिव वाले ने ट्यूट रिट्यूट और कई लोगों ने जवाब सवाल जवाब या फिर अपने वक्तव्य उठाने के बाद आवाज़ उठाने के बाद इनको मौका मिला था, आपको इस बार भी मौका मिला है मिलेगा नो डाउट। चलिए शेयर कर दीजिएगा लाइक करके। चलिए नेक्स्ट है आपका गुलशन कुमार सर, मैं एससी कैटेगरी से हूँ, 47 से 48 नंबर आ रहा है, बिहार में से हूँ। बिल्कुल आपको हो जाएगा 47 से 48 नंबर गुलशन कुमार जी, कोई इशू नहीं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों आपकी जो प्रोविजनल आंसर की आया, यहाँ पर आपको बीपीएससी साइट पर ले जाता हूँ, प्रोविजनल आंसर की आपका जो अपलोड हुआ है उसमें कोई आपका चेंजेज हुआ है कि नहीं आप बता दीजिएगा, कोई भी चेंजेज हुआ है कि नहीं आप बता दीजिएगा। आपका जितने भी सेट आपका, जैसे कि मैं सेट आपको डाउनलोड कर देता हूँ, ये देखिए ये सारे रिमार्क्स के साथ दिया हुआ है, आपका कितने नंबर्स अगर चेंजेज हुआ है या फिर नहीं चेंजेज हुआ है, आपने चेक किया है नहीं चेक किया बताइएगा, एक बार बताइएगा। चलिए सर गुलशन कुमार मैंने बताया सर एससी कैटेगरी में आप ऑलरेडी यहाँ पर होंगे तो आपको जवाब मिल चुका होगा। हाँ चल आपको 47 से 48 है तो आप बताइएगा, आपका जवाब मिल चुका होगा। आवाज़ एक क्लियर आ रही है सभी को? चलिए आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी पटना नालंदा गया दिया हूँ, बिल्कुल आपका हो जाएगा, पटना फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको मिल जाएगा और डिस्ट्रिक्ट के नियर बाय आपको मिलेगा कोई स्कूल्स, वहाँ जाकर के अपना सेवा दीजिएगा। और मैं आपको सिर्फ यही आग्रह करूँगा, अपना सेवा ईमानदारी पूर्वक देना ही है आपको, जो उसके लिए सैलरी तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अंदर की जो भावना होना चाहिए आपको बिहार के उन सभी दबे कुचले लोगों को पढ़ाना है। और एक अच्छा फाइनल ओमर सीट कब तक आएगा आपका, ये 5 से 6 दिनों के बाद देखने को मिलेगा क्योंकि 21 से 25 तक आपका सर आपके डॉक्यूमेंट्स को जो आपको है चेंजेज करने के लिए है उसको ठीक करने के लिए सारी चीज़ें ओपन है, इसके 3 से 4 दिन उस पर फाइनल आप काम किया जा रहा है। ओमर सीट में आपको क्यों काम किया जा रहा है ऑलरेडी आपको मैंने बताया था, रीजन वाइज है कि उनका सिलेक्शंस लेना है, उनको जो कैटेगरीज में जो वैकेंसीज है उन्होंने जो दिया है और उनको फुलफिल नहीं हो रहा है। एक चीज़ और भी आपको मैं यहाँ पर खोल के दिखा देता हूँ, जस्ट वेट अ मोमेंट, मैं बार बार इसको चेक करते रहता हूँ। एक तो आपका एजुकेशन ऑफ बिहार, एक अतुल प्रसाद जी का ट्वीट, अगर कोई ट्वीट अगर आता है अभी के टाइम में देख सकते हैं, पे ब्रोकर ऑफ द टीचर इज पोस्ट इन द इज लाइक एन लैंड ऑन द मून पेइंग ब्रोकर्स, यानी कि सीधे अभी के ट्वीट में देखिए अभी जस्ट आया है ना, ये 19 तारीख का ये डेट में आया है, इसको ट्रांसलेट हिंदी में कर देता हूँ आपको, ट्रांसलेट हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको, ताकि कई भेड़ते हैं। टीआरए में शिक्षक पद के लिए दलालों को भुगतान करना चंद्रमा पर जमीन खरीदने जैसा है, दैट्स ओके, ये बहुत अच्छा और रिट्वीट है, इस पर कर सकते हैं, इसको जवाब दे सकते हैं। तो ये अपना जो जवाब देने का तरीका है इनका अलग ही है, एक निराला तरीका है, अगर एक तरह से उन्होंने चोट भी मार दिया है और एक तरह से करंट अफेयर्स को भी कवर कर दिया है कि जो करंट में घटना घट रही है उसको रिलेट कर करके तंज भी आप लोग पर कस दिए हैं कि अगर आप ब्रोकर्स में, क्योंकि ये घटना घट देखने को मिला है और इनको संज्ञान मिली है कि सीटों की सीट बिक रहे हैं 8 लाख में 7 लाख में बिक रही है सीट, ऐसे कॉल्स आ रहे हैं कई लोग के पास कि आपका सर आपका नाम किसी का ले लेता हूँ, मान लीजिए राहुल है, राहुल आपके पास नंबर आ रहे हैं 60, कट ऑफ आपका मुझे पता है कि कट ऑफ इतना जाएगी, तो इस आपको अगर सजेशंस लेना है तो ये करना पड़ेगा ये करना पड़ेगा, ये सारे इश्यूज हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा सा सैर रखिएगा और इस ट्वीट को ध्यान दीजिएगा, इनका सीधे सीधे कहना है कि अगर आप टीआरए में शिक्षक पद के लिए दलालों को भुगतान करते हैं, चाहे 1 रुपया करते हैं या 1 लाख करते हैं या 5 लाख करते हैं या 10 लाख रुपया, तो उससे आपको चंद्रमा पर जमीन खरीदने के जैसा होगा, आप चंद्रमा पर जाकर रहेंगे भी नहीं और वो जमीन भी जाएगा आपको पैसे भी जाएंगे, यानी आपको पोस्ट भी नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं कि मुझे सिलेक्शंस मिल जाए वो सिलेक्शंस भी नहीं मिलेगा और साथ ही साथ आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप पकड़े जाते हैं तो जेल भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, जेल की खाना जेल में आपको खाने चक्की चलाने की भी मौका मिल सकता है, दैट्स अ गुड थिंग, ये अपॉर्चुनिटी शायद आपको मिल सकता है। प्रवीण कुमार जी सर 9 से 10 में एसएसटी में से 55 नंबर पे हो जाएगा, बिल्कुल आपको हो जाएगा नो डाउट, क्योंकि प्रवीण कुमार एसएसटी में हालांकि सीटों की संख्या कम है और अभ्यर्थी ज़्यादा है, कुछ है 9 से 10 में कुछ ऐसे हैं सीट जैसे सब्जेक्ट जिसमें सीटों की संख्या
और अभ्यर्थियों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है, सीटों की संख्या कम है, और किसी किसी में वाइस वर्सा यानी उल्टा ठीक होता है जिसमें अभ्यर्थी मिल ही नहीं रहे। चलिए आप लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए, क्योंकि एक एक पॉइंट्स को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी पॉइंट्स ना छूट जाए मैं ऐसा कोशिश करता हूँ। इसलिए मैंने ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी लिख के लाया हूँ। देखिए डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग मैंने बात कर लिया, सातों पॉइंट्स आठों पॉइंट्स जो होता है पीआरटी के लिए मैंने बात कर लिया। फॉर्म में कोई इशू आपका था वो आप कल चेक कर सकते हैं। रिजल्ट आपका मोस्ट प्रॉब्ली आपका अक्टूबर 15 अक्टूबर में भी और भी बढ़ सकता है, क्योंकि आपका ओएमआरसीट आना बाकी है, आपका फाइनल आंसर की आना बाकी है, आपका फिर उसके बाद ऑब्जेक्शन से आपका चलेगा ऑलरेडी, आज आपका लास्ट डेट है। तो सारी चीज़ें हैं, मैंने ऑलरेडी बातें किया, और आने वाले जो टाइम है वैकेंसी में उसका सुनहरा ऑप्शन आना है खुला हुआ, उस पर भी बातें करें, विस्तार से बातें करना है। आपको निश्चिंतता से आपके उसे क्वेश्चन पूछिए, ठीक है सर मैं अपलोड में मार्कशीट कहाँ किया हूँ, क्या सर्टिफिकेट करना। देखिए मैंने आपको सामने आ करके दिखाया है सभी जगह, देख कहीं भी लिखा हुआ मार्कशीट, मैं आपको कहीं भी कोई भी चीज़ें आपको अपने मन से नहीं बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हाँ जिसमें आपको लगता है कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं, जैसे सी टेट में कई लोगों का सर्टिफिकेट नहीं होगा, SC ST में इस कैटेगरी में, या फीमेल कैंडिडेट जो 82 में पास है, या फिर 75 में पास है, 76 में पास है SC कैटेगरी, लेकिन बिहार में पास माना जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको पास नहीं माना जाएगा, तो यहाँ पर आप मार्कशीट अपलोड कर देंगे, NA फिल कर देंगे तो कोई इशूज नहीं है। लेकिन आपके पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट में या फिर आपके 10th के सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ होगा, इसमें मार्कशीट डालने से आपको डेट ऑफ बर्थ क्लियर होगा, हालांकि कई सर्टिफिकेशन में मेंशन होता है, कई कई जगह नहीं होता है। अगर आप बिहार से पास होंगे तो आपको सर्टिफिकेट में ही डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलता है, या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है उसमें सर्टिफिकेट ही डालना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका है 10th 12th है या ग्रेजुएशन है, या फिर BEd DLED आपने किया है, BEd वाले को तो खेला खत्म हो गया, 1 to 5 में 99% अगर आपको, और DLED वाले जितने भी BTC वाले हैं तो इसमें आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, चाहे आप NIS से किए हो, बिहार से किए हो, UP से किए हो, MP से, हरियाणा से, कहीं से भी किए हो, तो ये आपका कंसर्न है। चलिए नेक्स्ट है, लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दीजिएगा। थोड़ा सर MD मोहम्मद अहमद जी का कहना है सर OBC में 47 नंबर है, मेल PRT में क्या चांसेस। बिल्कुल आपको चांसेस बनती है, मैंने आपको PRT का मैंने बताया था यहाँ पर, देखिए OBC में आपका 47 से लेकर के मैंने बताया था 45 से लेकर के 50 49 के बीच में है, आपका 47 है, अगर ऑब्जेक्शन के बाद एक दो नंबर और भी बढ़ती है तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, और एक दो नंबर घटती भी है तो भी सिलेक्शन आपके चांसेस बनते हैं, नो डाउट, कोई भी इशूज नहीं होगी। कोई क्वेश्चन और रहता है तो आप पूछ सकते हैं। सुनीता यादव सर प्लीज बताइएगा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, रिजल्ट में क्या है इशूज आपको लग रहा है, रिजल्ट आएगी, बहाली भी होगी, और सुनिश्चित तौर से कम TRE जो आपको फर्स्ट लेवल का है उसका दिसंबर तक का आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी। रीजन वाइज आपको पता है इलेक्शन है, आपको वोट मारना होगा, उनको पोर्टफोलियो में जाएगा, जब वो इलेक्शन में आपके सामने जिस तरह से आप अभी मांग रहे हैं और उनको वोट लेना और राजनीति करना, और यही लास्ट मौका है, अगर इस बार वो अपनी सीट को कैप्चर नहीं कर पाते हैं तो आने वाले भविष्य में उनको बहुत मुश्किल होगा। तो पोर्टफोलियो में साफ साफ शब्दों में और बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा कि मैंने 3 लाख वैकेंसी को फुलफिल किया, जिसमें 1,70,000 1,32,000 जो भी है उस जो जितने लोग सिलेक्टेड होंगे इतने को मैंने ज्वाइनिंग दिया है, बाकी की प्रक्रिया चालू है, इस तरह से पोर्टफोलियो में लिखाया जाएगा, किस तरह से लिखाया जाएगा जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा। चलिए सुनीता जी आई होप मैंने जवाब दे पाया, अगर आपको सेटिस्फेक्शन ना तो लाइक कीजिएगा और बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी भावनाओं को। नेक्स्ट है आनंद यादव सर मेरा ग्रेजुएशन विद DLED है कि जगह इंटर DLED हो गया है, करेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कल आपका लिंक ओपन होता है पोर्टल में, आपको बता दूंगा कि ऑप्शन दे रहा है या नहीं देना है, हालांकि आपको देना चाहिए, और आपको ऑप्शन मिल रहा है तो आप चेंज कर दीजिएगा। किरण कुमारी OBC से 54 नंबर फीमेल में क्या चांसेस है, 100% आपको चांसेस है, आप बस अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा, कोई इश्यूज है तो कल से लेकर के 15 यानी आपको 21 से 25 तक अपना चेंज कर लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा। तरुण EWS में हिंदी मिस्टेक में सिर्फ प्रिंसिपल या से करवाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं इशूज है, कोई इशूज नहीं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए सर, आप अदर स्टेट के हैं, आपको 5 डॉक्यूमेंट्स जो है मैं आपको दिखा भी देता हूँ साथ ही साथ, आपको विद प्रूफ दे बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ये देखिए ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आधार कार्ड तो आपको मैंडेटरी है, दूसरा है आपका रिजर्वेशन नहीं चाहिए, आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, ये दो नंबर आपको, दो और तीन नंबर नहीं चाहिए, बाकी का रिमेनिंग आपको 5 चाहिए। आपको क्या चाहिए, सी टेट का सर्टिफिकेट नंबर 1, आपको पेपर चाहिए जो कि 90 नंबर आपको होना चाहिए अदर स्टेट के हैं,
और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ले जाना है। यहाँ पर अपलोड करना था सर्टिफिकेट, लेके जाना है डीबी के टाइम में पर्सनल डिलीवरी, दोनों चीज़ मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चीज़। और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके 10th 12th मार्कशीट बता दिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने ग्रेजुएशन के बेसिस पर होंगे क्योंकि अदर स्टेट के हैं, तो आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट हर एक सेमेस्टर का, अगर 6 सेमेस्टर है या फिर बीटेक बीसीए वाले होंगे, बीसीए वाले आपके 6 सेमेस्टर होगा, बीटेक वाले का 8 सेमेस्टर होगा, 8.5 सेमेस्टर का मार्कशीट और प्लस आपका सर्टिफिकेट भी ले जाना है। और डीएलएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ले जाना है। ये सर्टिफिकेट आपका टोटल रहेंगे, यानी ये टोटल 5 आपका सर्टिफिकेट रहेगा। और आपका जो आपने एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन दिया उसका एडमिट कार्ड का एक फोटो कॉपी लेते जाना है, दोनों पेपर का, पेपर 1 और पेपर 2 का। और सेकेंड चीज़ आपका जो भी आपने अप्लीकेशन के टाइम डाला था, आपने अप्लीकेशन के टाइम यहाँ से आपने अप्लीकेशन किया था, अप्लीकेशन के टाइम में जो भी आपने लिया था उसका एक प्रिंट आउट उसको लेते जाएगा, ओरिजिनल लेते जाना है। साथ ही साथ 2 फोटोकॉपी उसका सभी का करवाना है, 3 फाइल बना लेना है। 9th से 10th, 11th से 12th में कई लोग करवा कर आए हैं, या अगर यहाँ पर आप हैं तो एक दूसरे का हेल्प भी कर सकते हैं। चलिए रवीश कुमार जी सर, अब सभी सेम में मार्कशीट ही अपलोड किया है, क्या करें? कल से चेंजेस का ऑप्शन आएगा, चेंज कर लीजिएगा, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। 21 से लेकर के 25 तक आप चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्टिफिकेट की डिमांड की गई थी। ये मेरे तरफ से कोई भी वक्तव्य नहीं है, कई लोग घुमा फिरा करके कोई भी बातें कर रहे हैं। मैं आपको सेटिस्फेक्शन के लिए बता दूं कि सर हाँ मार्कशीट में काम चल जाए और वहाँ पर आपको डीबी में आपको इशूज कर दे, तो बेहतर है कि आपके पास ऑप्शन हैं, 5 दिन का टाइम मिल रहा है तो उसको चेंज कर लीजिएगा, दैट्स ओके। क्योंकि उनसे आप झगड़ा नहीं कर सकते, उनसे आप जाकर के ये नहीं दिखाना है कि बाहुबली मैं हूँ या फिर दबंग मैं हूँ। वहाँ पर कोई भी दबंगी या कोई भी बाहुबली नहीं चलेगा, वहाँ पर प्रशासन रहेंगे और बिहार सरकार के पुलिस आपको कार्यरत हो रहेंगे वहाँ पर डीबी के टाइम में। अब थोड़ा वो तो ऊपर नीचे भी करेंगे तो सीधे आपको आपके ससुराल पहुँचा दिया जाएगा, समझ सकते हैं ससुराल किसको मैं बोल रहा हूँ। रिजल्ट कब तक आएगा? मैंने बताया 15 अक्टूबर तक मोस्ट प्रोबेबली ये आपका प्रस्तावित है, मे भी बढ़ भी सकता है। यूपी से 56 नंबर है, क्या चांसेस है? बिल्कुल आपको चांसेस बनता है, नो डाउट, आपको कोई इशूज नहीं है। चलिए नेक्स्ट, और कमेंट्स जो मेरे पास आया है उसको भी देखकर मैं साथ ही साथ देख लेता हूँ, क्योंकि कई चीज़ें साथ ही साथ चलना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर कमेंट्स आया हुआ, सर सी टेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड कर दिया है मैंने एक पेज में, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इरफान जी आपका मैंने लाइक कर दिया है, और साथ में आपका मेरे भी कमेंट्स को लाइक कर दीजिएगा वीडियोज़ को। सीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर आपने दोनों कर दिया है तो कोई इशूज नहीं है, क्योंकि दोनों सेम ही पेज पर आता है, डिजी लॉकर से डाउनलोड करेंगे सेम ही पेज रहता है, वहीं पर सर्टिफिकेट और डाउनलोड रहता है, तो कोई इशू नहीं। अगर आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा तो आपको इच्छा है तो चेंज कर सकते हो, इशूज कोई नहीं। मैंने 10th 12th का मार्कशीट अपलोड किया है और कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि मैं वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट में एक अपलोड करने का था। बिल्कुल आपको सर्टिफिकेट करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में का मतलब नहीं होता है मार्कशीट आपको अपलोड करना था, आपको चेंज करने का ऑप्शन आएगा चेंज कर लीजिएगा। मैंने ग्रेजुएशन और डीएलएड के मार्कशीट अपलोड किया था, फिजिकल एडमिट 47 वाले, आधार में एड्रेस मैंने वाला चेंज कर दिया है, तो अपलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल आप कर सकते हैं आधार में, क्योंकि आधार यूआईडी जो नंबर होता है आपको 12 डिजिट का, वो कहीं भी चेंज नहीं होता है। इस 52 नंबर आपका, हालांकि आप रहने भी दीजिएगा तो कोई इशू नहीं है आपको, कोई इशू भी पीआरटी का जनरल का कट ऑफ आपको बता दिया, 54 से 59 के बीच में रहने वाला है। यहाँ से करंट कमेंट को भी पिकअप करते हैं। चलिए एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके। अर्पणा कुमारी के सर, ईडब्ल्यूएस में कहाँ जमा करना है? शादीशुदा हूँ, पापा के घर का कि पति के घर का? अगर आपको जाति का प्रमाण पत्र लेना है, कि पहले तो जो नोटिफिकेशन आया था स्टार्टिंग में तो उसके हिसाब से पापा के यानी कि फादर के आपको एड्रेस यूज करना है और वहाँ का सर्टिफिकेशन का यूज करना है। साथ ही साथ अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का बनवाना है तो आपको पति के एड्रेस का आपको यूज करना पड़ेगा, यानी कि हस्बैंड का। तो लेकिन लास्ट मोमेंट में एंड द एंड मोमेंट में चेंजेस कर दिया गया, इसको ध्यान से सुनिएगा, लास्ट मोमेंट में इसको चेंज कर दिया गया था, क्योंकि डोमिसाइल को हटा दिया गया था। डोमिसाइल कोई भी स्टेट को आप इलिजिबल हैं तो इलिजिबिलिटी कैटेगरी अगर आवासीय, रिसेंटली अभी मैंने कई लोग को बनाया भी था तो उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि अगर आप आवासीय बनाना है या फिर आपको आवासीय बनाना है तो आपको पिता के एड्रेस को यूज करना है, और इनकम सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस बनाया तो पति के एड्रेस का, तो आपके पास जहाँ के बनाए हैं वहीं पर आपको रहना है, आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आप अपना कुमारी जी आपने ऑलरेडी बना रखा होगा, जो है वही आप लेकर जाइएगा, वही भी आपको रखना है, कोई चेंज अभी नया डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है यादव जी, SST में 64 नंबर, बिल्कुल आपका 9th से 10th में हो जाएगा, कोई इशूज नहीं, 64 नंबर बहुत अच्छा नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मैंने बता दिया, किरण कुमारी जी सर, OBC से मेरी सिस्टर का, ओके, सिस्टर का 9th से 10th में 52 नंबर, उसका क्या चांसेस है?
ओबीसी में है इसमें चांसेस बनती है, 55+ वाले जितने भी हैं, इवन जनरल में काउंट हो जाएगा। और ओबीसी में 5 नंबर कम मानता हूँ, यानी 52 नंबर, दैट्स अ गुड नंबर। किशोर कुमार पीआरटी में बिहार डीएलएड में 58 नंबर। एससी मेल से क्या चांसेस है, 100% किशोर कुमार जी आपका चांसेस बनता है, बस आपका डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। और डीबी के टाइम में आप अपना आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, कोई इशूज है तो आप अपना 21 से 25 तक अपना चेंज करवा सकते हैं। चलिए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। वीडियो को अब थोड़ा जल्दी वाइंड अप करेंगे। आई होप कि मैंने सारे कमेंट्स सारे क्वेश्चन जवाब देने की कोशिश किया। आने वाले भविष्य में जो आपके वैकेंसीज है उसके लिए आप प्रिपरेशन करते रहें, जो आपका सेकेंड जॉब अभी फेज के लिए, क्योंकि अगर आप पीआरटी के लिए अभी फाइट कर रहे हैं, नो डाउट सभी लोग प्रमोशन चाहता है, सभी लोग चाहता है कि 2-4 हज़ार एक्स्ट्रा कमाए और साथ साथ में आपका प्रमोशन भी हो, तो उसके लिए प्रिपरेशन करते रहें और जारी रहे पढ़ाई करते रहें, पढ़ाते भी रहें, दोनों काम करना है आपको। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में सबसे अच्छी बात है आपको हर दिन सीखना है कुछ ना कुछ, और हर दिन आपको कुछ ना कुछ किसी को सिखाना है, यानी गिव एंड टेक का रूल हमेशा आपके लाइफ में लागू रहेगा, कुछ लेना है कुछ देना है। चलिए सर राजकुमार, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स चेंज करने के लिए मौका दिया है तो मैंने ओनली डीएलएड ही प्लेस ऑफ डी बी एड ऑप्शन डीएलएड का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है क्या, प्लीज बताइएगा सर। डीबी में कोई प्रॉब्लम कोई इश्यूज नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सरकार ने ऑप्शन दिया है, आपने ऑप्शन नहीं दिया है सरकार को, उल्टा सरकार ने आपको ऑप्शन दिया है, तो आप कोई इश्यूज नहीं होगी। आपने बीएड से डीएलएड किया है, ओनली डीएलएड को आप रिप्लेस किया है, कोई इश्यूज नहीं होगी। आई होप कि मैंने सभी लोग का क्वेश्चन का जवाब दे पाया, आप बता सकते हैं क्वेश्चन का जवाब दे पाया, एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दीजिएगा। जितने लोग देख रहे हैं उतना भी, अभी जितने लोग देख रहे हैं उतने भी लाइक नहीं है, सिर्फ 22 लाइक है। लाइक की संख्या कम से कम 50 तक पहुँचा दीजिए, एटलीस्ट 50 पहुँचा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सर। SST दीवांश आपको यादव जी मैंने बताया, SST में 64, दैट्स अ गुड नंबर, नॉट अ इशू। चलिए एक ही राजकुमार जी बार बार कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब मैंने डॉक्यूमेंट्स चेंज करने के लिए मौका मिला था तो मैंने ओनली डीएलएड ही इन प्लेस ऑफ बीएड ऑप्शंस पर डीएलएड का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है, प्लीज़ बताइए। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हालांकि आप लोगों की संख्या बहुत कम है जो कि बीएड और डीएलएड दोनों किए हैं, जिन्होंने किया है, कई ऐसे अभ्यर्थी मेरे पास भी है। तो चलिए नेक्स्ट है राधे राधे, ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किया हूँ जबकि फॉर्म में 12+, ये ऐसे कई लोगों को प्रॉब्लम है, तो कल से आपको 21 से लेकर 25 तक चेंज करने का ऑप्शन आएगा, मैं आपको लाइव आकर के बता दूंगा। और मोस्ट आइडियल जो प्रोबेबिलिटी आपको मैंने बताया था कि किस तरह से आपको चेंजेस करना है, यानी इन द सेंस कि आपको 23 तारीख तक आपको यानी 21 और 22 तारीख को वेट करना है, 21 तारीख को और 22 तारीख को वेट करना है, उसके बाद आप 23 तारीख को जो भी चेंजेस करना होगा मैं एक दो वीडियो आपको बना करके बता दूंगा, लाइव आकर के बता दूंगा, समझा दूंगा, उसके बाद चेंजेस करना है। नहीं तो आपको ये लास्ट मौका है, ये अंतिम मौका है, कह सकते हैं अंतिम घड़ी आ गई है, आपका अंतिम घड़ी आ गई है, अंतिम पल आ चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आ चुका है और डॉक्यूमेंट सही करने का टाइम आ चुका है। ओमर से जल्दी आपका आपके पास आएगा और फाइनल आंसर किया आएगा। आप अपने जो भी है, जिन लोगों का कट ऑफ 60+ जितने लोग का जा रहा है वो लोग निश्चिंत रहें, 60+ या 55+ जितने भी लोग हैं किसी भी कैटेगरी से, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस आपका डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। किशोर कुमार सर 628 में डीलर में वाले अप्लीकेबल हैं सर? हाँ बिल्कुल अप्लीकेबल होंगे, नो डाउट, आप तैयारी करते रहें। अमित कुमार 43 AWS में फीमेल में प्राइमरी में हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा, इवन मेल भी अगर आप रहते तो भी चांसेस बनती, फीमेल में 2-3 नंबर और भी कम जाएगा, 40 से लेकर के 45 44 के बीच में चांसेस है आपका, हो जाएगा। अमित कुमार जी EWS फीमेल के लिए पूछ रहे हैं। चलिए शोभा कुमारी, मैं NCL अपलोड नहीं किया हूँ, कई लोग के साथ इशूज ऐसा आ रहा है, तो NCL कल से मैं आपको आपको ओपन हो जाएगा 21 से 25 तक, तो मैं आपको बता दूंगा क्या चेंजेस करना है क्या नहीं आपको। राम कुमार सर 41 नंबर, EBC से क्या होगा रिजल्ट? EBC से आपको 41 में चांसेस बनती है, मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पर देख सकते हैं EBC वाले जितने भी, OBC से आपका यहाँ से ये आपका 2-3 नंबर कम जाएगा, 40 नंबर आपका बनता है तो आपको चांसेस बनती है। अगर आप मेल में हैं तो आपको 2-3 नंबर का थोड़ा इशूज है, अगर आप फीमेल में हैं तो आपको नो डाउट आपको चांसेस बनती है। EWS में कैटेगरीज में मेल का कितना कट ऑफ हो सकता है? मैंने रुपेश जी आपको बताया था यहाँ पर 45 से 49 के बीच में आपका रहेगा EWS में से आपका कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला, 45 से 49 ये फीमेल का कट ऑफ है सारे, ये आपको फीमेल से। नेक्स्ट है शेफाली पटेल,
फीमेल यूपी से 49 चांस है क्या सर? मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, चांसेस यहाँ पर कम है, 2 से 4 और ऑब्जेक्शन के बाद बढ़ जाएगा तो आपके चांसेस 100% हो जाएगी। अदरवाइज आप बाउंड्री पर हैं, आप 50-50 चांसेस में कर सकते हैं अपने आपको, और आपको अब नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए तैयार करना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ अगर कॉल आती है डीबी के लिए, सभी लोग को मैं बोलना चाहूँगा, चाहे बीएड हो या डीएलएड हो, और कॉल आती है डीबी के लिए तो सभी लोग डीबी जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी लोग जाएंगे, पार्सल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सुबह करूँगी सर, एनसीएल मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है सर ग्राम कुमार, मैंने आपको ऑलरेडी जवाब दे दिया है, आप एक बार दोबारा रीचेक कीजिएगा, अपने वॉइस को चेक कीजिएगा, क्लियरिफिकेशन के साथ मैंने सभी चीज को बताया। एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट्स पे चलते हैं, जो ऑलरेडी मेरे पास पूछे गए हैं क्वेश्चन है उनका भी जवाब देता हूँ। चलिए मैंने इस का कवर कर दिया। चलिए सब बहुत फास्ट बोलते हैं, मैंने बता दिया सीटों की संख्या है। ग्रेजुएशन मैंने आपने ये देखिए, नवीन कुमार का क्वेश्चन है सर, ग्रेजुएशन मैंने 2018 से 17 में किया था और सीटेट पास है, तो इनका चांसेस बनते हैं क्योंकि एनआईएस से करने वाले कोई संख्या और उनको में कलप शायद होता है तो कोई सूझ नहीं मानी जाती है। राजन कुमार 9 से 12 वाले एसएसटी में 48 से फोन की चांसेस बनती है कि नहीं? एसएसटी में कैटेगरी में आपका बिल्कुल एससी कैटेगरी में आपका चांसेस बनता है बिल्कुल। पीयूष कुमार, मैं पीएच हूँ, ईबीसी से हूँ और 53 नंबर चांस, बिल्कुल चांस बनता है पीयूष से। आप अब पीएच भी हैं, साथ में ईबीसी की भी कैटेगरी होल्ड करते हैं तो आपको पूरी तरह से चांस बनता है। सर बोनस मार मिलेगा कि नहीं? मिलने की चांसेज है शेफाली मैडम, आपको मिलने के चांसेज है। आप जुड़े रहिएगा कम्युनिटी, आप टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन करते रहिएगा, आपको बता दिया जाएगा कितने क्या कितनी बोनस मिलेगा। अभी ये फाइनल जब आएगा आपका आंसर की, उसके बाद आपको प्राप्त हो जाएगा जानकारी। सर मेरा कमेंट लो, किड्स चैनल ऑफिशियल सर मेरा, आपका कमेंट्स क्या है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ किड्स चैनल का कोई कमेंट्स, एक बार दोबारा कॉपी पेस्ट कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट्स दोबारा दिख नहीं रहा। दीप्ति जी सर, ईडब्ल्यूएस में फीमेल में सिर्फ 38 होगा, बताइएगा प्लीज बताइएगा। 38 आपका बाउंड्री पर है, बिल्कुल चांसेस बनती है, 40+ वाले को मैं मानता हूँ, 2 नंबर कम है आपका, 2-3 नंबर आपका बढ़ जाने के बाद आपको चांसेस 100% बनती है। सुष्मिता कुमारी जी, ईडब्ल्यूएस में 53 नंबर है, ईडब्ल्यूएस में मेल में 53 नंबर है, पीआरटी में क्या होगा? बिल्कुल आपको बनता है मेल में, आपको सुष्मिता कुमारी जी आप पूछ रहे हैं, 53 नंबर आपको चांस 100% बनता है। किड्स चैनल सर एंस ईडी सॉरी डीएलएड सर्टिफिकेट ना डाल करके मार्कशीट डाला है, कोई सूट नहीं है आपको क्योंकि डीएलएड मार्कशीट आपको कोई सूट नहीं है, लेकिन आपको चेंज करने का 21 से 25 तक आपको चांसेस मिलता है, उसमें आप चेंज कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, कोई सूच नहीं। चलिए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा सभी लोग, एटलीस्ट 30 लाइक्स आप पहुंचा दीजिए, 26 लाइक हो चुका है। चलिए नेक्स्ट आपको कमेंट्स देख लेता हूँ। अखिलेश कुमार आ गए हैं यूपी के, समझ गए मैं सर, मैं इंटर के मार्कशीट अपलोड किया हूँ, उसके बाद हटा दिया हूँ, बीए का अपलोड कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अभिषेक कुमार सिन्हा 45 ईडब्ल्यूएस में, जनरल में पीआरटी, बिल्कुल आपको ईडब्ल्यूएस में चांसेस है 45 में। रुपेश कुमार ईडब्ल्यूएस में 50 है आपका, पक्का हो जाएगा जगह ना सर? बहुत डर लग रहा है, डरने की कोई बात नहीं, 50 में बहुत अच्छे से हो जाएगा, मैं आपको 45 को यस बोल रहा हूँ तो आप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अमरजीत जी, अमरजीत कुमार रिजल्ट कब तक उम्मीद है सर? 15 तक आपका, 15 अक्टूबर तक है, इवन मोर पॉसिबली 15 से 20 अक्टूबर तक आपका चांसेस बनती है। साथ ही साथ आप जो है, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कई बार नहीं बताया भी, आप ध्यान नहीं दिए होंगे, जो जो कैटेगरी में सीटों की संख्या है, मान लीजिए ईडब्ल्यूएस में 4,000 सीट है, फीमेल में आपका 4,000 सीटें हैं, टोटल 8,000 सीटों की संख्या है, तो अपने अपने सीट में जो है सीटों की संख्या, और उनसे बिहार सचिवालय या बिहार शिक्षा विभाग से या फिर बीपीएससी से अपना जोड़ बना कर रखिएगा कि आपके सीट की संख्या को यूआर को ना मिले। यूआर जब भी जितने भी लोग हैं, मान लीजिए ये आपके ईडब्ल्यूएस के सीटों कट ऑफ मैंने बता रहा है और यही कट ऑफ होने वाला है, आगे पीछे 1-2 नंबर हो सकता है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा मैं एक दोबारा बता रहा हूँ, अगर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मान लीजिए 45 गया मेल के कैंडिडेट की बता रहा हूँ, कट ऑफ का मतलब होता है ये आपका, और मैक्सिमम अगर लड़के ईडब्ल्यूएस वाले लड़के ने 65 या 60+ नंबर लिया है,
वो सारे सीट की संख्या जाकर के यूआर के सीट को खाएंगे, यानी 13,332 या 34 जितने सीटें हैं, और हिंदी में उर्दू की संख्या अलग है और बंगाली का अलग है, तीन दोनों मिलाकर के 15,900 है, तो वो सारे सीट जाकर के यहाँ पर खाएंगे। ऐसा ही सेम सिचुएशन हुआ था यूपी में, और 69,000 लगभग 14-15 हज़ार सीटों के घपला हुआ था, और सभी लोग का जो कैटेगरीज का सीट है वहाँ पर इशू जाती है। तो अपने अपने सीटों की संख्या इसलिए ध्यान दीजिएगा, कट ऑफ जो आपका है वो ध्यान दीजिएगा, उन सारी चीज़ों पर ध्यान देते रहिएगा। एक ही चीज़ आपका पैनी नज़र रखिएगा, हालांकि मैं सभी चीज़ों को बार बार चेक करते रहता हूँ, आपका बीपीएससी साइट को मैं बार बार चेक करते रहता हूँ, और सिमिलरली क्योंकि हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई न्यूज आ जाती है, आपके एंसर कीज को मैं पैनी नज़र रखता हूँ, आपके जो बीपीएससी चेयरमैन है अतुल प्रसाद के मैंने ट्वीट मैंने आपको आपको रिसेंटली दिखाया, उनके ट्वीट को रिट्वीट को आपको बार बार मैं चेक करते रहता हूँ। इस तरह से मेरे एंड से जितना पॉसिबिलिटी होगा मैं आपको साथ देने की कोशिश करूंगा, आप भी अपने एंड से, क्योंकि आप लोग की संख्या बहुत ज़्यादा है, आप अब भी अपने एंड से कोशिश कीजिएगा ये कोई भी चूक ना हो, जो जिस तरह से घटना है यूपी में घटी है वो आपके साथ ना घटे, बहुत मुश्किल होती है। 4 साल से वो अभी वो लोग फाइट कर रहे हैं अपने अपने सीट के लिए, अपने अपने आरक्षण वाली सीटों के लिए, उनका कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। सर बताओ किस चैनल वाला है सर, आपका सर है ओबीसी सर, फीमेल में आई गॉट 50+ नंबर मार्क्स, एनी चांसेस फ्रॉम बिहार? बिल्कुल चांसेस बनता है, किड्स ऑफिस चैनल आप ऑलरेडी चला रहे हैं, किड्स का हेल्प कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। चलिए नेक्स्ट है, प्लीज बताओ ना हमको, बता दिया किड्स चैनल जी आपको मैंने बता दिया आपको, मैंने अभी बताया चेस्टर की ओबीसी से आप फीमेल से है और 50+ नंबर है आपको, बिल्कुल ये चांसेस बनती है। नेक्स्ट है भारतीय अंजलि सर, आधार कार्ड में एफिडेविट में काम चल जाएगा या सही वाला अपलोड कर दें? पहले गलत वाला अपलोड हो गया था और अभी पोस्ट ऑफिस और वार्ड नंबर में भी चेंज हो गया है, निवास में आधार नंबर में भी कोई इशू नहीं, आप एफिडेविट सॉरी उसको अटेस्टेड करवा करके डाल दीजिए, उतना ज़्यादा पंगा क्यों लेते हैं आप, क्यों इशू? अगर आप नहीं भी चेंजेस करेंगे कोई इशू नहीं, क्योंकि आधार नंबर आपका सेम ही रहा होगा भारती जी, अंजलि जी आपने जो चेंजेज किया था सिर्फ और सिर्फ आपका आप पोस्टल नंबर या फिर आपका जो बता रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं जैसे कि आपका निवास नंबर या फिर वार्ड नंबर आपका, ये चेंजेस हुआ तो उसमें कोई इशू नहीं, आपको इसके लिए कोई नहीं छाटने वाला। अगर आप चेंज करना का इच्छा है ये आपके ऊपर है तो कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो इसके लिए कोई भी आपको छाटने वाला नहीं है, कोई भी इशूज नहीं। सुभा कुमारी मेरा 41 नंबर है ओबीसी से, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सिर्फ ये अटेस्टेड करवा करके प्रिंसिपल से या फिर BDO SDO कहीं से भी आप करवा करके सारे चीज़ आप डाल सकते हैं, प्रक्रिया में कल आपको 21 से 25 तक आपको गाइड कर दूंगा किस तरह से करना है। सर PRT अब आएगा? अभी जो अभी नोटिफिकेशन है और जो आपको खबर में आ रही है इसके हिसाब से बताई जा रही है PRT में संख्या ऑलरेडी इन्होंने फुलफिल कर लिया, 80,000 जो वैकेंसी 100% लेंगे, कई लोग बोले इसमें भी 75% लेंगे, इसके हिसाब से PRT में नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको इस संशय रह जाती है, कई लोग उसमें रिजाइनेशन देंगे, कई लोग छोड़ के जाने वाले हैं, कई लोग बिहार SSC में सिलेक्शन हो चुका है, मेरे ऐसे ही जानकारी में मेरे दोस्त और भाई लोग हैं जो कि ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, उनका कार्य तो घर के बगल में था वहाँ, लेकिन पटना में आसपास में वो छोड़ करके मुजफ्फरपुर आपको बिहार SSC में ज्वाइन करी, ऐसी संख्या बहुत ज़्यादा है, 10,000 12,000 15,000 की संख्या है, तो वो सभी लोग एड ऑन होकर के फाइनल जब ऑफिशियल आता है नोटिफिकेशन तो चेंजेस देखने को मिलेगा। अभी पोस्ट प्रॉब्लली है कि आप कह सकते हैं आपकी चांसेस बनती है कि PRT में आएगा, एनी हाउ 6 to 8 में भी आप एलिजिबल होंगे, पेपर 2 अगर आपने नहीं दिया है तो पेपर 2 के लिए आप जा सकते हैं, पेपर 2 आप सीट जो आपका जो आएगा दिसंबर में वो आपके जो लगभग मोस्ट प्रॉब्लली 1st वीक या 2nd वीक में आपका CTET एग्जामिनेशन दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है खुशबू कुमारी सर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के यहाँ DLED का मार्कशीट अपलोड हो गया है, क्या करें? कल आपके 21 तारीख से लेकर 25 तक अपलोड करने का फिर से आपका चैन आएगा, वहाँ पर अटेस्टेड करवा करके अपलोड कर दीजिएगा। शिव शंकर महतो जी का करना है, 52 अदर स्टेट्स मेल PRT प्लीज एनी चांसेस, 52 में आपको चांसेस थोड़ा सा कम है, अगर 2-4 नंबर ऑब्जेक्शन या आपको फाइनल आंसर के बाद बढ़ जाती है, आपको कोई क्लेरिफिकेशन है कोई क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्शन किस तरह से करना है, आपको 2-4 नंबर पर है डाउट तो आप जाकर के ऑब्जेक्शन आज कर सकते हैं, आज आपका लास्ट डेट है ऑब्जेक्शन यहाँ से जाकर कर सकते हैं, आपको 500 पर क्वेश्चन का चार्जेज लगेगा, ये मेरे तरफ से नहीं, ये आपको BPSC के तरफ से नोटिफिकेशन के अनुसार आपको देना पड़ेगा, ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन, ये आपको फाइनल नोटिफिकेशन है, ये आपका रहेगा, इस तरह से आपका सारी चीज़ें हैं।
तो आपको देना पड़ेगा। अगर कोई और रहता है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आपके अगर सही होता है, अगर पैसे वापस होगा कि नहीं होगा इसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आपका नंबर बढ़ जाता है, आपके सिलेक्शन हो जाता है, तो ये 500 रुपये मायने नहीं रखेगा आपके लिए, सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि हर महीने आप कम से कम 45,000 रुपये आप उठाओगे। चलिए, भारतीय अंजलि सर हिंदी में उन्होंने मिस्टेक से पहले वाले में आधार कार्ड में अपलोड की है, कोई इशूज नहीं है आधार कार्ड में, आपको उतना इशूज नहीं है, लेकिन आपने सही आपने करवा लिया, आपके पास पोस्टल से आ चुका है सब कुछ, तो अटेस्टेड करवा करके आप डाल दीजिए, आप अपने तरफ से कोई हेडेक रखिएगा, कोई तरह इशूज नहीं रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नीतीश कुमार सर 44 OBC से फीमेल में बिहार सेफ है, बिल्कुल है आपका सेफ है, 44 में आपका चांस सेफ है माना जाएगा बिहार से हैं नीतीश कुमार। चलिए फर्स्ट टाइम वाले लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, जितने भी लोग आए ज्वाइन किए हैं लाइक की संख्या बढ़ा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है खुशबू कुमार सर, CTET का मार्कशीट अपलोड किया हूँ, उससे कुछ नहीं होगा ना, आप चेंज करने का ऑप्शन है 21 तारीख से लेकर 25 तक आप चेंज कर लीजिएगा, मार्कशीट भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों में सेम चीज़ें रहता है। अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट करना है, आपको रीचेक करवाना है, तो आप हमें पर्सनली व्हाट्सअप कीजिएगा आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, कई लोग मेरे पास डॉक्यूमेंट्स के साथ चेक करवाए हैं, EWS का सर्टिफिकेट है या फिर जाति प्रमाण पत्र NCL, आप दोनों सर्टिफिकेट आप भेजिएगा, जिसमें साइन आया है जिसमें साइन नहीं आया है तो मैं आपको वेरीफाई कर दूंगा, और इसको किस तरह से 100 KB से ज़्यादा आपको रखना है। अगर डॉक्यूमेंट्स में मार्कशीट अपलोड हो गया है तो क्या ये दिक्कत है, कोई डॉक्यूमेंट्स क्या चीज़ का, अगर 10th का है तो आपको इशूज होगा, क्योंकि 10th में साफ शब्दों में यहाँ पर लिखा गया है आपका डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि बिहार के डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ वहाँ मार्कशीट में नहीं रहता है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ या फिर डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट रहता है, तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट ही अपलोड करेंगे, सर्टिफिकेट ही अपलोड करेंगे, मार्कशीट अपलोड नहीं करना है। सभी लोग अपना चेंज कर लीजिएगा, सभी लोग यार डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट जो होता है वो आप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ मैंडेटरी है आपको सर्टिफिकेट डालना है सर्टिफिकेट ही डालिएगा, इसमें इशूज नहीं है। चलिए कोई इशूज नहीं है। 41 फीमेल है बिहार से, फीमेल है 41, अगर आप जनरल कैटेगरीज में तो इशूज है, कोई आप कैटेगरीज होल्ड करते हैं तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, OBC से है कोई आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डोंट वरी सर। रणबीर सर, सर SC मेल से 16 नंबर, एनी चांसेज, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं रणबीर कुमार जी, आपको बिल्कुल ही हो जाएगा, इवन मैं कह रहा हूँ आपको UR में हो जाएगा, UR में, चलिए UR में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। सर मेरा ब्रदर का EWS में कैटेगरी में 53 मार्क्स आ रहा है, उसका क्या होगा, बिल्कुल उनका भी हो जाएगा और आपका भी, सुष्मिता जी आपका भी हो जाएगा, दोनों लोग डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, अगर कोई करेक्शन करवाना है 23 से 25 तक आपको पोर्टल ओपन रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, मे बी नेक्स्ट टाइम आपको फिर से फाइनल आए तो चार्जेस ले लिया जाएगा, तो अभी आप अपना उसका लाभ उठा लीजिएगा। लास्ट टाइम भी जब ऑब्जेक्शन के लिए आया था फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने आकर लाइव आकर के कई बार बताया, कई लोगों ने साथ साथ ऑब्जेक्शन कराए किए भी, टेलीग्राम में उनका प्रूफ भी मेरे पास अवेलेबल है, आप टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐसे कई अभ्यर्थी हैं और कई लोगों ने नहीं किया, उनके अभी भी दिल में धड़कने धक धक कर रही होगी, या फिर उनको बोल रही हो, डायलेमा होगा कि मेरा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आप अपने एंड से सही रहिए, दूसरे पर भरोसे मत बैठिए। रवीश कुमार का कहना है सर आधार कार्ड में नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है और डेट ऑफ बर्थ में भी, हाँ कई लोग है आधार कार्ड में, लेकिन मैं फिर से आधार सुधार लिया हूँ, क्या वही अपलोड करूँ, जो आपने सुधार कर लिया उसको अटेस्टेड करवा करके जा करके सबमिट कर दीजिए, उसको अपलोड कर दीजिएगा, कल पोर्ट आपके 21 से 25 तक पोर्टल ओपन होगा, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे हम आपको। श्रेयसी SNC कुमारी PRT में EWS में 65 नंबर, दैट्स अ गुड नंबर, आई वॉन्ट टू टेल यू श्रेयस कुमारी जी, आपका UR में हो जाएगा अपने बहनों के लिए, यानी आपको क्योंकि फीमेल कैंडिडेट हैं आप, तो आपको अपने बहनों के लिए, छोटे भाई बहन या फिर बड़े जो बहन होंगे या छोटी जो भी हो सकते हैं, उनके लिए EWS का सर्टिफिकेट आप सीट छोड़ने वाले हैं, या ऐसा मान के चलिए ऐसे कैंडिडेट हैं जी, ये इन इन सब पर पेनी नजर रखिए, EWS वाले, SC वाले, OBC वाले, जितने भी कैटेगरी वाले हैं आसपास में ध्यान दीजिएगा, जो भी अपने आसपास में जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में या फिर फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दो वाला होगा, तो आसपास में अपने आसपास में पूछिएगा,
AWS वाले अपने आसपास में पूछेगा कि कितना नंबर आपका हुआ है, तो बोलेंगे 65, तो किस में हुआ, AWS में, नहीं हुआ AWS में, नहीं होना चाहिए, उनका होगा UR में, यहाँ पर उठन करके जाना चाहिए। ये सब पैनी डरी नज़र रखिएगा, नहीं तो घटना घटेगी, और थोड़ा सा दुर्घटना हुई, थोड़ा सा चूक हुआ, दुर्घटना घट जाएगी और सीटों की संख्या वितरित हो जाएगी, और यहीं पर घपला वाले लोग, फर्जी लोग घुसेंगे, यहीं पर घपला करने वाले और फर्जी लोग घुसेंगे। सर EBC में NS52 हैं, चांसेज है कि बिल्कुल चांसेज बनता है आपका। सुचिता त्रिपाठी तिवारी जी A58 फीमेल अदर स्टेट, चांसेज बनती है नो डाउट। सिकंदर अनाड़ी से 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड किया हो, कोई प्रॉब्लम होगा, आप सर्टिफिकेट चेंजेस कर लीजिएगा, अपने रैंड से सही रहिए, कोई सोच नहीं होगा। सर UP से हूँ, 12th और प्लस हो गया है, चेंज कर लीजिएगा, मैंने आखिरी बार ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, कई लोग आपने देखा नहीं। चलिए सिकंदर, 10th और 12th के मार्कशीट अपलोड हो गया है, कोई प्रॉब्लम तो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप चेंज कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा, और मार्कशीट की जगह आप सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा, अपने एंड से सही रहिए, मार्कशीट आपको साथ ले जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में, लेकिन अभी अपलोड का करना है आपको सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट आपको करना था। जिन लोगों ने कई एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों ने पहले से ज्वाइन किया है आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप या हमसे जुड़े हुए हैं, ऐसे सैकड़ों की संख्या है जो कि जिनका डॉक्यूमेंट्स में कोई भी इशूज नहीं आया, रीजन बाय जो कि उनका मैंने एक एक चीज़ जाकर सॉल्व करवाया था, हैंड टू हैंड जाकर के बताया था, उनका इशूज नहीं आया। ये मैं प्राइड के साथ नहीं बोल रहा हूँ या फिर गर्व के साथ, ये बस एक विनम्रतापूर्वक आपको भी जानकारी दे रहा हूँ। श्री मद भागवत कथा के करने वाले हैं, 50 UR कोई चांसेस है, UR से है, और बिहार में UR में 50 में थोड़ा कम चांसेस है, अगर 2-4 नंबर आगे बढ़ जाता है तो आपको चांसेस बनता है। और टीचिंग पॉइंट सर 53 अदर स्टेट फीमेल, 53 में आपका 1-2 नंबर आप बढ़ जाती है तो चांसेस बनती है, यानी हाफ बाउंड्री पर आप है तो चांसेस मैं मानता हूँ आपको है। चलिए कोई क्वेश्चन और रहता है तो आप पूछिएगा, मैं 2-3 कमेंट्स और प्रीवियस वीडियोज के उठा लेता हूँ, उसके बाद फिर वीडियो को वाइंड अप करेंगे, वीडियो को वाइंड अप करेंगे। देख सकते हैं कई कई चीज़ें मैंने पूछा था सर, कितने नंबर पर केवल EBC वाले को होगा, EBC को अगर देखते हैं तो EBC वाले को जो देख सकते हैं 50+ वाले भी होंगे, 40+ वाले, बिलो 40 वाले भी कह रहे हैं कि 30+ वाले में होगा, ये 20% ऐसे लोग हैं, 60+ वाले के भी होगा, तो ये इतने लोग हैं जो 20% या 22% वाले लोग हैं, तो इन पर पैनी नज़र रखिएगा, ये सारे UR में फॉल करना चाहिए, UR कैटेगरी में जाना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये आपको इस पर ध्यान दीजिएगा, PRT में कितने नंबर केवल EBC वालों को ले जाएगा, तो मैंने ये दोबारा क्वेश्चन किया, तो ये सेम चीज़ है, आप ध्यान दीजिएगा इस सारी चीज़ों पर, किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं। तो जनरली देखिएगा यहाँ पर जितने भी लगभग 2,000 के आसपास लोगों ने किया है, UR में 41% लोग हैं, OBC में 37% है, ये ही दो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा फाइटिंग देते हैं, SC में बहुत कम लोग हैं, ST में बहुत कम लोग हैं, EWS में 15% है, यहाँ पर थोड़ा कॉम्पिटिशन देखने को अभी इस बार देखने को मिल रहा है। चलिए PRT मिनिमम कट ऑफ कितना जाएगा, मिनिमम कट ऑफ 60+ जाने वाले हैं, लगभग सभी लोग बोल रहे हैं 40+ जाने वाले, 35+, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ट वाले हैं तो 30+ वाले को भी हो जाएगा सिलेक्शन, और आपके पास SC ST OBC वाले कैटेगरीज हैं तो आपको 35+ वाले, EWS SC वाले जितने भी हैं, फीमेल कैंडिडेट 40+ वाले को भी हो जाएगा, और मेल कैंडिडेट है तो 45+ भी लोग का हो जाएगा, और 50+ जो है जितने लोग हैं, 50+ जितने भी लोग हैं UR कैटेगरी में, आपका फीमेल में आपका हो जाएगा, अगर आप 55+ जितने भी लोग हैं, 54+ जितने भी लोग हैं UR कैटेगरी में, मेल कैटेगरी में आप फॉल करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताने की कोशिश किया। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग DK यादव जी, आपको भी गुड इवनिंग सर। 45 EWS में जनरल में बिल्कुल आपका PRT में हो जाएगा। अभिषेक सिन्हा, वीरेंद्र कुमार साहू सर, माध्यमिक हिंदी 35 EBC, माध्यमिक हिंदी में आपको बनता है, चांसेस बनता है, क्योंकि माध्यमिक में जो माध्यमिक में बहुत सीटों की संख्या ज़्यादा है, अब हिंदी में बहुत कम एप्लीकेंट है। चलिए एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटे तो दबा लीजिएगा, नेक्स्ट टारगेट आप रखिएगा कम से कम 40, आप लाइक करके चले जाइएगा, 40 लाइक करके चले जाइएगा, लाइक करके चले जाइएगा, या शेयर करते जाएगा वीडियो को शेयर करते जाएगा, कोई क्वेश्चन रहता है आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक एक चीज़ डिक्लेयर कर देता हूँ, एक एक चीज़ आपको आपको पुटअप कर देता हूँ, जवाब दे देता हूँ। PPSC PRT में जितने भी सवाल जो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड मैंने लगभग सारे क्वेश्चन मैंने उठाया, आप वीडियो को पूरा देखेंगे, तेज़ी से भी देखेंगे, आप बाद में भी रिकॉर्डेड देखेंगे तो आपको मिल जाएगा जवाब,
फॉर्म्स के रिगार्डिंग बता दिया। रिजल्ट आपको 15 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। डीवी उसी डीवी आपका जो है रिजल्ट के बाद देखने को मिलेगा। कई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम में मेरे से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तो डीवी आपका जो है रिजल्ट के बाद, क्योंकि इसमें 1 लाख लोगों को डीवी के लिए कॉल आएगा। 1 लाख इसलिए कॉल आ रहा है, कई लोग बोल रहे हैं क्यों रीजन भाई, 20,000 एक्स्ट्रा बुलाने के लिए आपका 80,000 सीट है और 1 लाख कॉल आएगी कि आपको डीवी के लिए कॉल आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, पार्सल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि इसमें लगभग 5 से 10% या 10 से ज़्यादा 10,000 से 15,000 ऐसे लोग होंगे जिनको डीवी में छाटना है। उनको उनको पता है कि ये लोग कुछ ना कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इशूज के कारण उनको बाहर कर दिया जाएगा। खास के लिए अदर स्टेट वाले ध्यान दीजिएगा, लगभग 60-70% लोग अदर स्टेट वाले हैं, उनको डीवी में प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए नेक्स्ट है ओमआर सीट, उससे पहले आएगा ओमआर सीट आपका रिजल्ट से पहले आपको प्रकाशित होगा। फाइनल में आंसर की आपको प्रकाशित होगा लगभग आपका 30 कह सकते हैं इस महीने का लास्ट 30 सितंबर तक आपको देखने को मिलेगा। जाति आरक्षण कट ऑफ से रिगार्डिंग मैंने बात किया, महिला आपका सीट है सब कुछ जानने के बाद, अदर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट मंथ आपको ऑलमोस्ट प्रॉब्लली तैयार है। आपका नवंबर में एग्जामिनेशन होगा, दिसंबर में ज्वाइनिंग के लिए बात करेंगे। सीटें दिसंबर वाले जितने भी लोग हैं उनको अपेयरिंग वाले को मौका मिलेगा, उन्होंने कोई संशय नहीं है। चलिए सर प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। कुमारी जी क्या पूछ रहे हैं, सर मैं बिहार से फीमेल कैंडिडेट हूँ, 41 नंबर आ रहा है, मैं यूआर से हूँ, 41 में यूआर में कम चांसेस है, क्योंकि यूआर में अगर आप देखेंगे कट ऑफ के जो है आपका आप लोग में जो आयत है ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए मेरे जान में, ऐसे आप देख सकते हैं आसपास में भी 65, 70 और 80 ला करके बैठे हुए हैं। थोड़ा क्वेश्चन है आपको बॉयज़ के कंपेरिजन थोड़ा ईजी आया था इसके कारण मैं बता रहा हूँ। अब 48 अगर आप लेके आते हैं या 45, 46 भी आप लेके आते हैं तो 3 नंबर ओबिजेशन के बाद बढ़ जाएगा, लेकिन आपका यहाँ से देखेंगे तो 6 से 7 नंबर आपका डाउन है। तो मैं आपको सिर्फ दिलासा देने के लिए हाँ बोल दूँ, बाद में आपका सजेशन ना हो आए तो आप फिर बाद में आकर के कॉमेंट करेंगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए नेक्स्ट 6 to 8 के लिए, आने वाले वैकेंसी के लिए, और साथ ही साथ इसमें होप रखिएगा, चांसेस रखिएगा कि कुछ भी खेला हो सकता है, कुछ भी खेला हो सकता है, क्योंकि आपको उतना फीमेल कैंडिडेट की संख्या नहीं है। सर 100 KV में मेरा सारा हो जाएगा, 100 KV में सारा हो जाएगा, दैट्स अ गुड थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिषेक कुमार इडोलिस मैंने बता दिया आपको, और अभिषेक कुमार से इडोलिस मैंने बता दिया आपका, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर, कमेंट्स थोड़ा धीरे से लगा। चलिए नेक्स्ट, काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, थोड़ा इशूज है गला में, आप थोड़ा हेल्प। चलिए डॉक्यूमेंट्स में इंटर नहीं ग्रेजुएशन दिया हूँ, ले ठीक है गलत तो हो जाएगा सर, प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या दिया एक बार थोड़ा सा आपने क्वेश्चन को वेरीफाई कीजिएगा, फिर से बताइएगा, फिर से अच्छे से बताइएगा। जयप्रकाश सर यूपी से 60 नंबर में है, क्या चांस क्या फाइनल कटअप में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा आपका त्रिपाठी जी, जयप्रकाश त्रिपाठी जी आपका हो जाएगा। अभिषेक सिन्हा जी ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको 45 में चांसेस है जनरल में, पीजी मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप बार बार कमेंट कर रहे हैं दैट्स अ गुड थिंग्स, बट आप लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा और अपने भाई बंधुओं को शेयर कर दीजिएगा, जिनको लग रहा है कि आपको कोई सूझ रहता है, कोई भी छोटा बड़ा आप कोई भी इसके रिगार्डिंग इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई भी सूझ रहता है, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ और करता रहूंगा, जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं होता तब तक आपका साथ दूंगा। कोई भी कॉमेंट्स आपका व्हाट्सअप और टेलीग्राम में है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए मेरे पास कई भी व्हाट्सअप में भी कॉल्स मैसेज आना शुरू हो गया सर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सर, कौन सा कार्य कौन सा कर्म प्लीज उनका नाम डिटेल होगा। चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आपके क्वेश्चन रहता है बता दीजिएगा। साइन जो जो करवाया है जी, यहाँ आपका सही है साइन जो आपको करवाना है, मेरे पास अभी एक कॉमेंट आया है पंकज कुमार का है, और इनका अटेस्टेड करवाना है ऊपर साइन के साथ साथ आप मोहर भी लगे, ये सही है आपका, इस तरह से करवा करके अपनी डिटेल रखिएगा। ब्लैक एंड व्हाइट कई लोग पूछ रहे हैं सर, ब्लैक एंड व्हाइट पर करवाएं या फिर कलर पर, या फिर आपका या फिर कुछ भी करवाना, आप ब्लैक एंड व्हाइट करवाइए या फिर कलर पर करवाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको दिखना चाहिए साइन आपका जो है वो आपने जो अपलोड किया है जो आपने डॉक्यूमेंट्स किया है वो दिखना चाहिए। 52 UP से आपका बाउंड्री पर है, चांसेस बनती है पुनीत निषाद। अदर स्टेट फीमेल में किस कैटेगरी में जाएंगे? बिल्कुल दैट्स अ गुड क्वेश्चन, मैंने इस पर डिस्कस भी किया था लास्ट वीडियो में, मैं आपको बताना चाहूँगा मेल कैटेगरी आपको 16,000 जो सीटें हैं उसमें आप जाएंगे, आपको उसी में फाइट करना होगा, क्योंकि अदर स्टेट मतलब जितने भी इंटरव्यू के लिए कल जो वैकेंसी आई उसके में भी डिस्कस किया था, अदर स्टेट भी चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी जेंडर से हो, मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो,
तो आपको यूआर में फाइट करना होगा मेल के कैंडिडेट। चलिए कोई इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं पर्सनली, आप व्हाट्सएप पे हमें बात कर सकते हैं। डीके यादव, सर मेरा आधार कार्ड नंबर में एक मिस्टेक हो गया है गलती से टाइप, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कल पोर्टल 21 से 25 तक आपको पोर्टल ओपन होगा, उसमें चेंजेस आने आपका चेंजेस करने का ऑप्शन आ जाएगा, मैं आपको शेयर करके बता दूंगा क्या आपको चेंज करना है, किस तरह से आपको, कनेक्टेड रहिएगा। सर मेरा रिप्लाई कर दीजिए, मैंने आपको डीके यादव जी आप ही का मैंने अभी रिप्लाई किया है। सर अदर स्टेट फीमेल को आरक्षित वर्ग के मेल या फीमेल किस कोटा में रखा जाएगा? मेल में रखा जाएगा, अनारक्षित आपको वर्ग में रखा जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी में आपको मेल में रखा जाएगा। नोटिफिकेशन के अनुसार बता रहा हूँ, अगर आपको फीमेल में मिलता है चांसेस, दैट्स आई वांट टू बिकम, मैं चाहता हूँ कि आपको मिले, क्योंकि दिनेश चौधरा से आप बहुत टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं, आप कई बार क्वेश्चन किए हैं आपको, मैं जानता हूँ, तो आप कई बार ये सवाल उठा चुके हैं, और आपके शायद सीटेट में नंबर भी 1-2 नंबर कम है, 88 नंबर है, इसलिए आप बार बार क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सिलेक्शन हो जाए, लेकिन ये एज पर माई नोटिफिकेशन और नॉलेज के अनुसार आपका फीमेल में होगा। ऑलरेडी मैंने बता दिया, आप कमेंट्स बार बार कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड किया है, डिग्री नहीं किया, चेंज कर लीजिएगा नो डाउट, अगर आप डिग्री भी मार्कशीट भी रहने थे, कोई भी आपको मार्कशीट, एक चीज़ अभी बताना चाहूँगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट में अगर कोई भी डाले हैं ये फॉर्म में आपने अपलोड किया, आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स है दोनों का, तो कोई भी DB में आपको बाहर नहीं करेगा, लेकिन जो नॉर्म्स है, जो ऑप्शंस दिया जाता है, उसी को फॉलो कीजिए, क्यों अपने ऊपर एक क्वेश्चन और मार्क अपने ऊपर डालवाना चाहते हैं, जो क्वेश्चन और नोट्स डाला हुआ है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है, यहाँ यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिया गया है, इसी के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है, या जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स हो, डॉक्यूमेंट्स या फिर सर्टिफिकेट, और डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट, यहाँ पर आप मार्कशीट अपलोड कर सकते थे, क्योंकि अपेयरिंग वाले अप्लाई हुए हैं यहाँ भी, अब जो DLED में अपेयरिंग वाले, तो हाँ एडमिट कार्ड भी अलाउ किया गया है यहाँ पर, कई जगह एडमिट कार्ड भी किया जाएगा, अगर एडमिट कार्ड नहीं तो मार्कशीट है, दैट्स ओके, कोई इशूज नहीं है, बस आपके पास जो DB या पार्सल DB के लिए जाएंगे, पार्सल DB के लिए जाएंगे तो आपको कोई दोनों होना चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए होना चाहिए, एटलीस्ट अगर सर्टिफिकेट नहीं होता है तो वो ओरिजिनल मार्कशीट होना ही होना मैंडेटरी है, ओरिजिनल मार्कशीट होना मैंडेटरी है। सर हम +2 से, मेरा NCL में डिजिटल सिग्नेचर नहीं दिख रहा है, तो अपलोड कर सकते हैं क्या? हम भी अपलोड कर सकते हैं कल, हाँ जी, आपका 21 तारीख से 25 तक पोर्टल ओपन होगा, मैं आपको एक बार गाइड कर दूंगा लाइव आकर के, उसके बाद अपना चेंजेस कीजिएगा, अदरवाइज आप हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कीजिएगा, नहीं तो दुर्घटना घट जाएगी, इसलिए देर आए दुरुस्त आए इसकी घटना को मानिएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दे करके 1-2 दिन वेट करना है, 21 तारीख को 22 तारीख को वेट करना है, 23 तारीख को आपको चेंजेस करना है, सिग्नेचर करवा कर रखिएगा, अपना प्रक्रिया फुलफिल करके रखिएगा, अपने प्रिंसिपल या फिर आप जहाँ से भी हैं वहाँ से करके आप रखिएगा, और कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप को वेरीफाई करके, उसको बाद सबमिट कर लीजिएगा। राजकुमार, EBC से 55 नंबर आ रहा है फ्रॉम बिहार, दैट्स अ गुड नंबर, आपका हो जाएगा, इवन आपका यूआर कैटेगरी में चांसेस बनती है। दिनेश चौरसिया जी 112 नंबर, क्या आपका 112 नंबर बन रहा है? ये अच्छा सीटेट में आप बोल रहे होंगे, शायद 112 नंबर बन रहा है, दैट्स अ गुड थिंग्स, अच्छा नंबर आपका है, नो इशूज आपका। आप PRT में कितना बन रहा है, सॉरी TRE में, आपका BPSC TRE में कितना नंबर बन रहा है आप वो बता दीजिएगा। सर गवर्नमेंट्स डॉक्टर रजिस्टर्ड ऑफिसर में आते हैं? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल, आप गवर्नमेंट डॉक्टर आप जाकर खुद उनसे, डॉक्टर जिनसे आप करवाएंगे उनसे आप बता दीजिएगा, ये BPSC का PDF है, PDF साथ में लेते जाइएगा, और मुझे रजिस्टर्ड ऑफिसर का साइन चाहिएगा, वो अगर होंगे, क्योंकि अलग अलग पोजीशन होता है, बी ग्रेड वाले जितने भी है, बी ग्रेड ए ग्रेड वाले रजिस्टर्ड ऑफिसर में काउंट होते हैं, और आप उनसे पूछ लीजिएगा, खुद बता देंगे कि हाँ मैं साइन करने लायक हूँ या नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, जो भी हो मेल या फीमेल आप बात कर लीजिएगा। डॉक्टर भी आएंगे, प्रिंसिपल भी आएंगे, अब ये नहीं प्राइमरी टीचर जो आप बनने जा रहे हैं, आप खुद से या फिर आपके जो भाई बंधु ऑलरेडी हो चुके हैं, एक्सपीरियंस है, 4 साल पहले ज्वाइन किए हैं UGC से, चेक उनसे साइन करवाने के लिए मत जाइएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्टेड हो जाएगा, आप ऑथराइज पर्सन नहीं है कि आप साइन कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें प्रक्रिया क्यों लेट की जा रही है आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, क्योंकि वैकेंसी को थोड़ा और लंबा चलाना चाहते हैं, बोर्ड की राजनीति है, इलेक्शंस के टाइम तक खींचा जाएगा, और उसके बाद शायद कुछ लोगों को ज्वाइनिंग होगा, 9 से 10, 11 से 12 वालों को निश्चित तौर पर उनकी भी सबसे पहले ज्वाइनिंग होगी, उनका ट्रेनिंग होगा, ऑलमोस्ट 21 डेज का ट्रेनिंग शेड्यूल किया जा रहा है, अलग 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 जितने भी 38 जिला है उनका प्रस्तावित किया जा रहा है,
और 21 डेज तक हनीमून पीरियड कहा जाता है ट्रेनिंग को। हनीमून पीरियड इसलिए टर्म्स को यूज किया जाता है, मस्ती भी है और साथ में पढ़ाई भी, कुछ सीखना भी आपको है, कुछ लर्निंग भी है, किस तरह से आपको बच्चों को हैंडल करना, किस तरह से मैनेज करना और क्या इशूज है, ये सारी चीज़ आपको सिखाया जाएगा। लेकिन साथ साथ आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, यानी इस टाइम में आपको ट्रेनिंग के साथ साथ पेमेंट भी मिलेगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे, इस नॉलेज या बोल अच्छा लग रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है, तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। सर ये रवि यादव जी, यू आर से मेल में 62 नंबर BTC वाले, बिल्कुल 100% आपका रवि यादव जी, आप काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर हैं, बार बार आपने कमेंट किया है, दर्शक गुड थिंग्स, लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। और आपका चांसेस बनता है, डॉक्यूमेंट्स आप अपना रेडी रखिएगा, फाइनल ओमर सेट आपका आने वाला है, फाइनल आंसर की आने वाला है, दोनों को मिलान करके रखिएगा। सर CTET में 112 नंबर है और BTC में 72 नंबर है, 1-2 दैट्स अ गुड नंबर आपका दिनेश चौरासिया जी। आपका मेल कैंडिडेट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप फीमेल हैं, आई नो कि आप फीमेल हैं, 112 नंबर और मेरिट पर लाना दैट्स अ गुड नंबर है। और अगर आपने अच्छा नंबर लाया, एक बार में लाया, दो बार में लाया, आई डोंट नो, लेकिन 112 नंबर अच्छा नंबर है, और 72 नंबर 1-5 में भी दैट्स अ गुड नंबर। आप नो डाउट अपने डॉक्यूमेंट्स को बट रेडी रखिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो सुधार कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी लोग के लिए, और इस वीडियो का यहीं पर वाइंड अप करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है, दो चार क्वेश्चन और ले लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये इस वीडियो को काफ़ी लंबा बनाया है, इसलिए लंबा इसलिए बनाया ताकि आपके सारे क्वेश्चन को जवाब दिया जा सके, कोई भी कन्फ्यूजन इसके बाद ना रह जाए, कोई भी कन्फ्यूजन आपका ना रह जाए। ये एक बार क्वेश्चन आ रहा है बहुत, सर उर्दू में मेल EVC का कट ऑफ कितना जाएगा? उर्दू के लिए मैंने बता देता हूँ, उर्दू के लिए आप इतना बता सकते हैं कितना नंबर आया, क्योंकि उर्दू की संख्या मेरे पास बहुत कैंडिडेट कम आए हैं, हालांकि व्हाट्सएप टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं कई लोग, और वो मुझसे वार्तालाप करते हैं और कमेंट करते हैं, एक दूसरे से बातें होती हैं उनका। अगर आपका 50+ लेते हैं या फिर आप कैटेगरीज में है 48+ भी जाते हैं, तो आपके सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोकेगा। 72 इन EVS एंड इन BPSC, दैट्स अ गुड नंबर दिनेश चौरसिया जी। आपका रियल नाम बता दीजिएगा, आई डोंट थिंक ये दिनेश चौरसिया आपका नाम होगा, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट है, आपका रियल नाम बता दीजिएगा मैडम। सरवन कुमार GP GSPS, नेक्स्ट टाइम आप कितने बजे लाइव आ रहे हैं सर? सर आप बताइएगा आप अपने अनुसार, मैं क्योंकि जनरली 6 से लेकर के 10 PM तक, यानी इवनिंग के टाइम में 6 से लेकर के 10 के बीच में हम आ जाते हैं, जब भी आप टाइम बताएंगे, आप बताइएगा कि आपको किस समय आपको अच्छा लगेगा, ताकि आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को मैं हेल्प कर सकूँ उस समय, आप अपना सुटेबल टाइम बता दीजिएगा। सर 72 अमित प्रियदर्शनी 53 UR से DLED में बाउंड्री में है, आपके चांसेस बनती है। 72 दिनेश चौरसिया जी, आप अपना नंबर बता, सॉरी रियल नाम बता दीजिए, नंबर नहीं मुझे चाहिए आपका, सॉरी। गौतम कुमार सर, बिहार OBC बिहार 45 क्या होगा? बिल्कुल आपका हो जाएगा वो गौतम कुमार, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें। ललित मोहन सर, सर मेरे 38 नंबर है, PHNE कॉलेज में बिहार से, बिल्कुल आपको हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कट ऑफ से, डिजिटल बोर्ड में भी आकर के आपको बताया था, उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। 32 वाले जितने भी PH कैंडिडेट वाले हैं, सभी लोग का सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट्स आपका देखा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स आपने जो अपलोड किया है उसको रीचेक किया जाएगा। चलिए कुछ कॉमेंट्स यहाँ से उठा लेता हूँ, ये आपका क्वेश्चन इस तरह से, सर अलायंस मॉर्निंग न्यूज वाले बोले सर सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपका एनालिसिस और कट ऑफ सही है, थैंक यू सो मच। चलिए आपको भी कमेंट्स को लाइक कर दिया। नेक्स्ट है सर 11th से 12th में कंप्यूटर साइंस वालों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए आवाज़ उठाऊंगा कि आपका कुछ ना कुछ आपको हेल्प किया जाएगा। ये ऐसे भी अतुल प्रसाद जी का वक्तव्य था कि हम उसके रिवेरीफाई करेंगे, यानी आपको समीक्षा किया जाएगा, हिंदी शब्दों में कहा जाए उसको समीक्षा किया जाएगा, अगर आपने डॉक्यूमेंट सही सही डाला है उसको वेरीफाई होगा, या दोबारा आपका जो वेरीफिकेशन होगा इसमें आपको दिया जाएगा साथ, कोई इशूज नहीं है उसमें, उसमें भी आपको कोई इशूज नहीं होगा। राहुल कुमार सर हेलो सर, DLED अपेयरिंग वाला को कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा? अभी रिजल्ट जो आया है नेट वाला मार्कशीट या कॉलेज में अपलोड आया है मार्कशीट करेंगे, क्योंकि BPSC बोली है 15 अक्टूबर तक रिजल्ट दे देंगे, तो
उससे पहले अपेयरिंग का कौन सा डॉक्यूमेंट दे करके रिजल्ट जारी करेगी, प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। इनका दो तीन क्वेश्चन एक ही साथ में है। देखिए डीएलएड अपेयरिंग वाले जितने भी लोग हैं, डीएलएड है या बीटीसी वाले हैं, और इन लोगों का डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करना था आपको, एडमिट कार्ड से काम चल रहा था, साथ ही साथ एडमिट कार्ड से काम चल रहा था, अगर आपके पास रिजल्ट आ चुका है उसको अटेस्टेड करवा करके, क्योंकि ओरिजिनल का सिर्फ खींच करके नहीं डालना है, कि अभी ऑथराइजेशन आपके पास नहीं है, तो अटेस्टेड करवा करके डाल दीजिएगा। नेट वाला या मार्कशीट या कॉलेज वाला, क्योंकि कॉलेज में आपको ओरिजिनल आपका सर्टिफिकेट आप बनवा करके भी डाल सकते हैं, मार्कशीट भी आप डाल दीजिएगा, कोई इशूज नहीं होगा। 15 अक्टूबर तक आएगा। आई होप कि मैंने आपको जवाब दे पाया। नेक्स्ट सी टेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड किया, कोई इशूज कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर मैंने 12th का मार्कशीट अपलोड किया है, दिक्कत हो गई या क्योंकि वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट में एक अपलोड करने का था। बिल्कुल आपको यही इशूज है, मेन इशू यही है 12th में, या कहीं बीपीएससी या बिहार सीरियल या फिर बीपीएससी में देखेंगे तो मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों ऑप्शन देता है सर अपलोड करने का। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, सर्टिफिकेट यहाँ पर देखेंगे डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट सिर्फ एक ऑप्शन दिया जा रहा है, तो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, सर्टिफिकेट ठीक है, सभी लोग को बता रहा हूँ सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। और चेंजेस मिलेगा 21 तारीख से लेकर 25 तक अपना चेंज कर सकते हैं। कुछ कॉमेंट ले लेता हूँ, प्री कॉमेंट्स और प्रीवियस कॉमेंट्स को मैंने रिकॉर्डलेट कर दिया है। चलिए पीएच का सर्टिफिकेट उदित डिजिट डिजिट वाला चलेगा, समझ नहीं पा रहा हूँ, क्वेश्चन फिर से पूछेगा। सर जाति प्रमाण पत्र सितंबर में बना है, कोई दिक्कत तो होगा? सर जाति प्रमाण पत्र आपका सितंबर में नहीं आपका लिया जाएगा। रविश कुमार जी आपने कांटेक्ट पहले भी किया था, आपको बताना चाहूँगा जिन लोगों का 22 जुलाई से पहले जो भी सर्टिफिकेट है उसमें सिग्नेचर नहीं दिख रहा है या साइन नहीं दिख रहा है, थंबनेल नहीं दिख रहा है, कुछ भी ऐसे जो है, तो उसको आप अटेस्टेड करवा कर अपलोड कर दीजिएगा। लेकिन ये नहीं करिएगा कि दोबारा से सितंबर या अगस्त में बना करके उसको री अपलोड करना है, तो वो आपको फ्रॉड माना जाएगा, आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। नया सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, न्यू अपलोड नहीं करना है। हाँ वो लोग अपलोड कर सकते हैं जैसे डीएलएड वाले हैं, अभी जैसे कि क्वेश्चन आया था डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास एडमिट कार्ड उन्होंने दिया था, अब सर्टिफिकेट आ चुका है तो उनको अटेस्टेड करवा करके डालना है, यानी कि और ऐसे फोटो खींच करके डालना है और साइन करवा करके वो लोग डाल सकते हैं। क्वेश्चन है दिनेश चौरासिया, दिनेश ये है भाभी के लिए पूछ रहा हूँ, भाभी का 52 है, मेरा 72 है, दैट्स अ गुड थिंग्स। आप भाभी के लिए भी सोच रहे हैं, आप अपने लिए भी सोच रहे हैं, अपने पूरे फैमिली के साथ सोच रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग्स। दिनेश चौरासिया जी थैंक यू, आपने क्लेरिफिकेशन दे दिया, और दोनों के लिए शुभकामनाएं मेरे तरफ से, आपके और आपके भाभी दोनों को हो जाए, मेरे तरफ से ये शुभकामना रहेगी। धर्म बरसाई से गुरु जी सीटेट के सर्टिफिकेट के स्थान पर मार्कशीट अपलोड हो गया है, उसे बदलना जरूरी है, अगर आप बदलते हैं दैट्स ओके, नहीं बदलते हैं तो भी कोई इश्यूज नहीं है, उतना बड़ा इश्यूज नहीं है, लेकिन आपको मैं बीपीएससी के अनुसार चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आपको कोई इश्यूज ना हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, थोड़ा और थोड़ा से स्ट्रिक्टनेस के साथ आपने मार्कशीट भी रहने देंगे, कोई सूझ नहीं है 10th का 12th का मार्कशीट जो भी है, क्योंकि इनके पास पोर्टल में जो दिया गया था पोर्टल में इनकी ही सूझ है, ये सर्टिफिकेट को और भी ऑप्शन देना चाहिए, मार्कशीट फिर दोनों देना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया है 10th का मार्कशीट सभी डाटा फिल करवा लिए हैं, आपने फिल किया होगा कि 500 में आपका कितना नंबर आया है, लेकिन मार्कशीट अपलोड नहीं किया, सर्टिफिकेट अपलोड किया उसमें भी नंबर मेंशन होता है, अपने ग्रेजुएशन में भी सेम चीज़ आपने किया होगा, डीएलएड में भी सेम चीज़ किया होगा, सीटेट में भी सेम चीज़ें किया होगा, तो एनी हाउ कोई सूझ नहीं होगा इसमें, कोई ज़्यादा सूझ नहीं है इसमें, कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। दिनेश और सर दिनेश ही है भाभी के लिए पूछ रहा हूँ, भाभी का 52 है मेरा 72 है, दैट्स ओके, मैं भाभी का ऑलरेडी आपने बता रखा है। चलिए सर फीमेल का नॉर्मलाइजेशन होगा, चांसेस कम है, चांसेस कम है क्योंकि दोनों का पेपर अलग हुआ, दोनों का कट ऑफ अलग है, दोनों का वैकेंसीज अलग है। अगर आप कह रहे हैं कि फीमेल कैंडिडेट का अलग जो है क्वेश्चन आपका क्यों आ रहा है मुझे पता है सत्येंद्र जी, क्योंकि आपका मन में ये चल रहा है कि जो अदर स्टेट वाले जो फीमेल कैंडिडेट है आकर के मेल में फाइट करेंगे, उनका क्वेश्चन लेवल अलग था, वो ज़्यादा नंबर लाए हैं, ये सब आपके जो चल रहा है इस पर आपको इशूज नहीं, वो आपको सोचने का काम नहीं, वो बोर्ड का काम है, वो क्या करते हैं नॉर्मलाइजेशन के चांसेस नेग्लिजिबल है 0% 1% भी। एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ईबीसी 37 में 9th से 12th में क्या होगा, ईबीसी में आपका हो जाएगा क्योंकि 9th से 12th में ईबीसी में बहुत कम लोग हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, धर्म वरसाई जी बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद, आपने आया और लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, और अपने साथी संबंध जितने भी लोग हैं जो कैंडिडेट हैं जो इनको लगता है कि इशूज है ये सारी चीज़ें, तो उनको शेयर कर दीजिएगा।
जो उन्हीं लोगों को शेयर कीजिएगा जो लोग बीपीएससी के लिए फॉर्म भरे हैं। ऐसे भाई बंधुओं को मत देख भेज दीजिएगा जो एजुकेशन से कोई रिलेशन नहीं है। रील्स और शॉर्ट वीडियो में जिनका टाइम पास चल रहा है उनको मत भेजिएगा। आई डोंट वांट टू शेयर दिस थिंग्स। चलिए नेक्स्ट 59 नंबर, यूपी से कुछ चांस है क्या? बिल्कुल आपके चांसेस बनता है। नेक्स्ट है एस के वर्मा जी, जनरल में 49 नंबर, मेल बीटीसी से, और 49 नंबर में बाउंड्री में है। अगर आप उसमें भी मेल कैंडिडेट हैं तो मैं आपको सिर्फ दिलासा देने के लिए नहीं बता सकता हूँ या आपको होप देने के लिए, लेकिन आपको होप रखना चाहिए। एक दो नंबर आपको बढ़ता है क्योंकि आप बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं। 48 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है तो चांसेस बहुत कम है, लेकिन आपको आशा रखिए कुछ हो सकता है तो हो जाएगा, अदरवाइज मेरे अनुसार चांसेस कम है। तैयारी करते रहे नेक्स्ट के लिए पीएच को। चलिए कमेंट्स अब यही आ रहा है, बहुत कम लोगों ने लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल घंटी दबा रहे हैं। कमेंट्स भी आपका कम आ रहा है, इसलिए इस वीडियो को हम जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं, बंद करने वाले हैं। और टीम बताइएगा लगभग कितने मिनट्स का ये सेशन चल चुका है, ऑलमोस्ट कितने मिनट्स का हो चुका है? चलिए एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ। लोकेश सेन, राम राम जी राजस्थान से, राम राम जी, आपको भी राम राम। बताइएगा कैसे हैं आप, राजस्थानी तो आता नहीं मुझे लेकिन राम राम, क्योंकि राजस्थान हरियाणा में ये लोग सुबह जब मॉर्निंग करते हैं सभी स्टार्ट करते हैं राम राम से, तो दैट्स अ गुड थिंग्स। जैसे गुड मॉर्निंग हम लोग होते हैं, अंग्रेजी सभ्यता को फॉलो करते हैं, वो लोग बहुत अच्छे से राम राम करते हैं। मैं जहाँ कई बार राजस्थान हरियाणा या ये सभी जगह पर गया हूँ और विजिट किया हूँ तो मुझे पता है ये सारी चीज़ें। चलिए राम राम सभी को, और चाहे कोई भी धर्म से हो अपने अपने जो भी है उसको फॉलो करते रहिए, यहाँ पर कोई भी कम्युनिटी वाइज या धर्म वाइज नहीं किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है विजन क्लासेस से रिप्लाई कीजिएगा, क्या क्वेश्चन है आपका? पीएच कैंडिडेट यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट्स का चलेगा, ये चलेगा कोई सेंट्रल गवर्नमेंट्स आपको चलेगा? अगर आपने स्टेट का भी बनवा लिया, वो भी रिसेंट का बनवा लिया है तो कोई इशूज नहीं है, आप वही अपलोड कर दीजिएगा। आपका 21 से 25 तक पोर्टल ओपन होगा फॉर द सेफ्टी साइड, आप उसको बिहार का जो रिसेंट बनवाए हैं 2023 का वो अपलोड कर दीजिएगा, वो भी मार्च के बाद का, मार्च से पहले का नहीं, मार्च से बाद, मार्च के बाद का। आप बता सकते हैं वो जो सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का है वो कब का है? 2022 का होगा तो नहीं चलेगा, 2021 का होगा तो भी नहीं चलेगा, 2020 का होगा तो भी नहीं चलेगा, रिसेंट का होगा तो चलेगा। चलिए नेक्स्ट है श्यामू यादव जी है 55, ये जनरल में आपका चांसेस बनता है। योगेश दक्ष जी 65 नंबर, यूपी से, क्या होगा? बिल्कुल चांसेस बनता है सर, आप बताइए। वो सर मैंने बता दिया, सुरवेश यादव जी कमेंट्स तेजी से आ रहा है, जल्दी से आप कमेंट्स लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दीजिएगा। चलिए अदर स्टेट्स का क्या है सर? विजन एग्जामिनेशन मैंने बता दिया, 55 मेल जनरल में आपकी चांसेस बनती है, नो डाउट, कोई इशूज नहीं है। चलिए कोई क्वेश्चन रह जाता है आप पूछ सकते हैं और बीस। चलिए आप बता सकते हैं जल्दी से, आप ये देख सकते हैं व्यूज का रेशियो इस तरह से आपका इंक्रीज हुआ, लाइक कीजिए जल्दी, जितने लोग हैं 800 से ज्यादा लोग आ चुके हैं यहाँ पर। लोकेश सेन 53 नंबर आपको बनता है, जनरल से चांसेस है बनती है, 54-53 में मान के चल रहा हूँ कि चांसेस बनती है। चलिए कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, बहुत तेजी से यहाँ पर कमेंट आ रहा है। सेम सर बिहार से BC2 कैटेगरी में हूँ, 45 नंबर में नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं सी। कांत मेहता जी आपके चांसेस बनती है, नो डाउट, कोई इशूज नहीं। रवि यादव यू आर से 62 नंबर है ABTC, बिल्कुल आपके चांसेस बनते हैं रवि यादव जी, आप बहुत अच्छे हैं, सेम ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। निशी कांत मेहरा बिहार BC2 कैटेगरीज में 45 नंबर यानी चाहिए, बिल्कुल आपके चांसेस बनते हैं। चलिए एक अब इस वीडियो को हम जल्दी कंप्लीट करेंगे और वाइंड अप करेंगे। आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाया। अब बता सकते हैं कोई डाउट रहता है इसमें, आपको जो जो पॉइंट्स मैंने लिखा है, महिलाओं के लिए CTET का कितना नंबर चाहिए, DB के लिए, OMR CET के लिए, जाति के लिए, आरक्षण के लिए, कट ऑफ के लिए, निवास के लिए, और आने वाले जो वैकेंसी है 70,000 या उससे प्लस जितने भी वैकेंसी आएगा उसके प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करने वाले, CTET दिसंबर वाले हैं उनका प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ आप सभी लोग बताइएगा, जो आपका आने वाले CTET जो सेकेंड आपका वैकेंसीज है उसमें कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले स्टार्ट करूँगा, SST साइंस या मैथ्स, आप बता सकते हैं उसके अनुसार मैं जितना ज़्यादा कमेंट्स आएगा कम्युनिटी पोस्ट में, आपको कम्युनिटी पोस्ट में आप डाल दूंगा आज, उसके हिसाब से आप अपना कमेंट्स डाल सकते हैं।
प्रदीप कुमार सर ऐसे मेल का कितना जाएगा? एससी कैटेगरी का अगर मेल में है आपका, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया है, एससी कैटेगरी मेल में अगर आप 40 से लेकर के 45 के बीच में है तो कट ऑफ ये जाने वाला है। अगर आप फीमेल है, फीमेल कैटेगरी है, तो 38-39 से 44-45 के बीच में आपको जाने का संभावना है। आई होप कि मैंने आपको क्लियरिफाई कर पाया। लाइक करके सब्सक्राइब करके बिल घंटी दबा लीजिएगा। अली जी का क्वेश्चन है सर, ई डब्ल्यू एस में उर्दू में 45 है, बिल्कुल हो जाएगा, बहुत सीट है आपका ई डब्ल्यू एस में, उर्दू में ये उतना कैंडिडेट भी आपको संख्या में भी नहीं मिलने वाला है। पूनम परमा 60 SST SST में, SST में आपका हो जाएगा क्योंकि 60 अलग नंबर इज ए गुड नंबर, डोंट हैव एनी इशू टू डू सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाए हो। एक बार बता दीजिएगा सर, आपका सजेशन मिला, आपके क्वेश्चन का जवाब मिला या नहीं? सुनील कुमार सर 53 यूपी से, आपको चांसेस बनता है यूपी से, आप जो है चांसेस बनता है 54 वाले को मानता हूँ। इवन आपका ऑब्जेक्शन के बाद 2 से 4 नंबर आपको बनने वाला, नो डाउट, इसमें कोई इशूज नहीं। चलिए एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा सभी लोग। अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनमोल कुमार, ई डब्ल्यू एस में क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रखा गया है PRT में, BPSC में? और नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं था, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, नोटिफिकेशन आप जब देखेंगे, मैंने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया है, लेकिन ई डब्ल्यू एस को कटअप के अनुसार ही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था, वो है आपको 40, मेल के लिए आपका है 48 48, और आप फीमेल की अगर चर्चा करना चाहेंगे तो फीमेल के लिए मैं बता सकता हूँ, अनमोल 48 रखा गया था, लेकिन इसमें आपको कैंडिडेट की संख्या और वैकेंसी की संख्या को तुलना किया जाएगा, और फाइनली जब निकाला जाएगा तो उसको सीटों निकाला जाएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में जो लोग 65+ जा रहे हैं, 60+ जा रहे हैं, उनको यूआर में फॉल करना पड़ेगा, और बाकी को ईडब्ल्यूएस में जितने लोग हैं उनको रखा जाएगा, तक वो 4,000 वैकेंसीज है उसमें। नेक्स्ट है विजन एग्जाम डॉक्यूमेंट्स का मतलब मार्कशीट भी तो होता है सर, बिल्कुल आपका होता है, मैंने कहीं भी आपको नहीं बताया कि मार्कशीट आप सिर्फ डालना है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट दोनों डाला गया है, तो सर्टिफिकेट को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है कहीं भी, तो सर्टिफिकेट को क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपका खास के लिए 10th, तो आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर नहीं मैंसन होता, जो पुराने सर्टिफिकेट जो डाले हैं, पुराने सर्टिफिकेट आपका है, पुराने सर्टिफिकेट 10th का आप जब देखेंगे 2008 से पहले का, उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया जाता था मार्कशीट में, और ऐसे कैंडिडेट बहुत सारे लोग हैं जिनका जिनका एज 30 से ज़्यादा है, 25 28 से ज़्यादा है, और उनके पास मार्कशीट में नहीं डेट ऑफ बर्थ होता, तो उन लोगों को बोला जाता है आप सर्टिफिकेट ही अपलोड कीजिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ फॉर द सेफ्टी साइड आप सर्टिफिकेट डालिए, मार्कशीट आप डाले हुए हैं तो कोई इशूज नहीं है, कोई आपको बाहर नहीं करने वाला है, मैंने कहीं भी नहीं बोला है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, कोई इशूज होगा कोई इशूज नहीं होने वाला है, और मार्कशीट अपलोड किए हैं दैट्स ओके, आपके पास दोनों सर्टिफिकेट होना है, लेकिन आपके पास मिल रहा है चांसेज आपको चेंज करने का, तो आप चेंज कर लीजिए, क्यों आपको अपने प्रॉब्लम में फंसेंगे, डॉक्यूमेंट्स का मतलब मार्कशीट भी होता है, मार्कशीट भी आप डाल सकते हैं, कोई सोच कोई सोच नहीं। चलिए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। सर यू आर में 65 यू आर एनी चांसेस? बिल्कुल पूरी तरह से आपका चांसेस संतोष सक्सेस होना चाहिए, कोई नहीं रोकने वाला है आपको, बस आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए, तैयार कीजिए और लग जाइए अपने वेरिफिकेशन के लिए। संतोष सक्सेना लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा बाकी सभी लोग। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अतुल ब्लॉगर, 67 में BTC अदर स्टेट, 67 आपको भी सेम सिचुएशन है, 55 जितने प्लस हैं, 54 जितने भी सभी लोग का सजेशंस होगा। सर NCL अपलोड कर सकता हूँ? अगर रिसेंट का बनाया है तो नहीं करना है, अगर आपको 22 जुलाई से पहले का बना हुआ है तो अपलोड कर दीजिएगा अटेस्टेड करवा करके, क्लियर कट बता रहा हूँ। 67 नंबर अदर स्टेट्स होगा सर, बिल्कुल हो जाएगा सर, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। पूनम केसरी सर, DLED सर्टिफिकेट का PDF आप साफ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल आप चेंज कर लीजिएगा, अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है, आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए आप हमें टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, कई ऐसे महारथी हैं, अगर आपको मैं अवेलेबल रहूँगा तुरंत आपको जवाब दे दूंगा, नहीं तो आपको एक दूसरे से आप हेल्प ले सकते हैं, एक दूसरे का हेल्प ले सकते हैं, सभी भाई बंधु हैं, सभी ये ग्रुप आपका एक्टिव रहेगा टिल द ज्वाइनिंग तक, और उसको मे बी हम उसको वाईफाई कट करके चेंज करेंगे, और TRE2 जो वैकेंसी है उसको चेंज कर देंगे, जो लोग ज्वाइन रहेंगे रहेंगे, अदरवाइज आप लेफ्ट कर दीजिएगा ग्रुप को, कोई सोच नहीं है, बस एक दूसरे से ध्यान दीजिए, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट वहाँ पर रहेंगे, तो अपने बातों को अपने जो भी कमेंट करेंगे तो अपने उसको संयमता बरतेंगे, और एक टीचर्स की बिहेवियर को फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज स्ट्रेट अवे तुरंत 2 सेकेंड में आपको बाहर कर दिया जाएगा ग्रुप से।
सर बीए के जगह पर बीएड का सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है, चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा मैडम, आपको अपने दूसरा सर्टिफिकेट डाल दीजिए तो इशूज होगा। कई ऐसे कैंडिडेट भी लास्ट आया था, लास्ट वीडियो मेरे पास कमेंट्स में उन्होंने पूछा था, इशूज था उनका ये था कि मैं अर्चना कुमारी हूँ और मेरा राहुल का सर्टिफिकेट अपलोड हो गया, तो बिल्कुल आपको चेंज करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मान लीजिए आपको डीबी के टाइम में कॉल आया, अगर अर्चना को बुलाया जाएगा, सारे सर्टिफिकेट वहाँ पर दिख रहा है राहुल का, तो कैसे मैचिंग करेंगे, उनको स्टेट अवे बाहर कर दिया जाएगा। पूनम केसरी जी, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, आपको भी थैंक यू सो मच, आपने आया, आपने क्वेश्चन किया, आपको आया, आपको जवाब मिल गया होगा। लाइक करके, सब्सक्राइब करके, बेल घंटी दबा लीजिएगा, सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा, जिन लोगों को नीडेड है, जिन लोगों को जरूरत है उन्हीं लोगों को। सर मैं बिहार से हूँ और बिहार से फीमेल कैंडिडेट हूँ, 49 नंबर है, एनी चांस? बिल्कुल अर्पणा जी, आपका चांसेस बनती है, कोई सोच नहीं है आपका, 49 नंबर, दैट्स अ गुड नंबर, इवन फीमेल कैंडिडेट में आपका चांसेस बनते हैं। चलिए, आई होप कि मैंने सभी लोग का जवाब दे दिया, मैं आपको इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, अगर आप बस विदागिरी दीजिएगा, गुड बाय एवरीवन, से गुड बाय एवरीवन, सभी लोग बोलिएगा, जितने लोग लाइव हैं, जितने लोग अभी कनेक्टेड हैं, और आप सभी लोग गुड बाय, गुड नाइट। ऑलमोस्ट लगभग 1.5 घंटे के आसपास मैंने आपके साथ समय दिया, और उसके आप प्रतिफल दीजिएगा जरूर। ईडब्ल्यूएस में पीआरटी में 44, पीआरटी में 44 है सर जी, अनमोल कुमार पीआरटी में अगर आप 44 है तो दैट्स अ गुड नंबर, कह सकते हैं बाउंड्री पर है, आपको चांसेस बनता है। ओके थैंक यू सर, पूनम वर्मा जी, ओके थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट्स एंड गुड टू सॉल्व ऑल दैट, थैंक यू सो मच। विजन क्लास, विजन एग्जाम ऑलरेडी आप शायद कहीं आप एक दूसरे को हेल्प कर रहे होंगे, और आने वाले टाइम में जितने भी लोग हैं, 1,32,000 या 1,70,000 या एक दोनों मिला करके 3 लाख या 2.5 लाख, जितने भी लोग हैं बिहार के, उन सभी लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। थोड़ा सा ज्ञान की बातें बोल रहा हूँ, थोड़ा आप सुन लीजिएगा, क्षमता होगा तो सुनिएगा, अदरवाइज आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों का क्वेश्चन हो गया सॉल्व, लाइक करके आप शेयर करके वीडियो को जा सकते हैं, कोई सोच नहीं। तो जिन लोग जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं, एक बात ध्यान दीजिएगा, वो स्टेट को आप सर्व करने वाले हैं, चाहे आप अदर स्टेट से हो या बिहार के भी स्टेट से हो, आप उस स्टेट को सर्व करने वाले हैं, उन लोगों को सर्व करने वाले हैं जिनकी एजुकेशन सिस्टम सबसे पुअर है, सबसे डाउन है, सबसे बॉटम में है। अब कोशिश कीजिएगा, नहीं हम कर रहे हैं टॉप पर ला देना है, लेकिन एटलीस्ट कोशिश कीजिएगा कि आने वाले टाइम में मिडिल में आ सके। सर ये राजू यादव जी, प्लीज फीमेल अदर स्टेट्स कट आउट प्लीज, मैं बता देता हूँ, आप रोने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, रोइएगा नहीं, सभी लोग का इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ यहाँ पर। राजू यादव, फीमेल के लिए अदर स्टेट जितने भी हैं मेल में काउंट होगा, रुक के बता रहा हूँ, इसलिए ये स्ट्रिक्टनेस के साथ बता रहा हूँ, कोई भी आपको इतना अच्छा से नहीं बताएगा। आपका मेल के लिए अगर जाएंगे तो आपको 54 से लेकर के, ये आपका फीमेल के लिए है, अब मेल के लिए आपको फिर दोनों नंबर इसमें ऐड कर लीजिएगा, 54 से लेकर के 59 रहेगा। आपका नंबर कितना है बता दीजिएगा। राजू यादव, दीपक कुमार 50, मेल पीआरटी, बिल्कुल आपका चांसेस बनता है, नो डाउट, एससी कैटेगरी में उसमें भी आते हैं। पूनम वर्मा सर, पूरा प्रयास करेंगे, दैट्स ओके, पूरा प्रयास कीजिए, आप अपने एंड से 100% एफर्ट डालिए, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। कभी ऐसा मलाल ना रहे कोई भी काम करने के बाद कि मैंने, मेरे एंड से 1% भी छूट रह गया, मेरे तरफ से 1% एफर्ट्स नहीं डाल पाया, ये मलाल ना रहे, भले एग्जामिनेशन निकले ना निकले, दैट्स ओके, मेरे भाग में होगा, दैट्स ओके, नहीं मिलेगा मिलेगा, ना मिला ना मिला और भी ओके, और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, शायद यहाँ से और अच्छी जगह मैं काम करूँगा, शायद और भी अच्छे लोगों को मैं हेल्प कर पाऊंगा, ये भावना के साथ चलते रहें, कोई इशूज नहीं होगा, कभी दिमाग में प्रेशर नहीं आएगा, टेंशन नहीं आएगा। राजू यादव जी, आप बोल रहे हैं 50 है सर, 50 है सर, तो आपका चांसेस बन, 2-4 नंबर, 4 नंबर आपका कम है, लेकिन चांसेस बनता है, आपको ये सब और ये सारी चीज़ें जो फाइनल आंसर की आता है, तो 4-5 नंबर सभी लोग का बढ़ने वाला है, तो आपको बढ़ने का चांसेस बनती है। अनमोल कुमार ईडब्ल्यूएस में 44 नंबर आ रहा है सर, अब बनता है चांसेस सर। नेक्स्ट है सीटेट पेपर 2 क्लियर नहीं है, तो अपेयरिंग में आप डाल दीजिएगा, कोई इशूज नहीं, क्लियर नहीं है, तो सीटेट पेपर 2 आप इस बार दिसंबर में आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, अपेयरिंग डाल दीजिएगा। जितने लोग का ये है 4 साल 5 साल पुराना है, 7 साल पुराना है, कई लोग बैठे हुए हैं मुझे पता है, तो वो लोग ही फिर से आप सीटेट देना की कोशिश, क्योंकि पेपर लेवल अब चेंजेज आ रहा है, थोड़ा आपको नॉलेज भी बढ़ेगा।
इवन मैं भी आज से 5 साल पहले 6 साल पहले सीटेट पेपर 1 2 सारा क्लियर करके बैठा हूँ सब कुछ। मैं भी एक बार ट्राई करूँगा फिर से, क्योंकि 5 6 साल हो चुके हैं सारी चीज़ें, मैं भी ट्राई करूँगा एक बार। राजू यादव सर, 50 फीमेल अदर स्टेट की कितना चांसेस है? आपका 50-50% चांसेस है। मैं आपको झूठ की वो या दिलासा देने के लिए नहीं बताऊंगा कि 100% चांसेस है, आपका बाउंड्री पर है। आकृति यादव 50-65 नंबर यूपी से क्या चांस है? 100% चांसेस है मैडम आपका, 100%। सुमन कुमारी, पॉइंट्स में नंबर कैसा बना आ सकते हैं सर? पॉइंट्स में नंबर नहीं बनेगा, पॉइंट्स में नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो रोल नंबर आएगा, या तो 50 आएगा या 51 आएगा या 55 आएगा। 55.5 नहीं आया किसी का, नेगेटिव था ना इसलिए। सर रिजल्ट आ जाएगा क्या उम्मीद अक्टूबर मिड तक? हाँ मिड तक आपका बिल्कुल है कि अब विश्वास ही कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि विश्वास में पूरी दुनिया तो कायम है, और हमारे एंड से यही कर सकते हैं, हम ट्वीट कर सकते हैं, सचिवालय में बात कर सकते हैं, या फिर वहाँ BPSC जा कर के बात कर सकते हैं। सरकार से ऊपर कुछ नहीं होती है, लेकिन हम लोग सरकार को बना भी सकते हैं, सरकार को गिरा भी सकते हैं। दैट्स अबाउट इट। रवीश कुमार जी गुड नाइट, गुड नाइट, आप जा सकते हैं, और सोने से पहले अपनी भावनाओं को अच्छे रखिएगा। आपने दिन भर में 3 लोगों को मदद किया, एक चीज़ सभी लोग को जानना चाहिए, 4 चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, 3 से 4 चीज़ आप ध्यान दीजिएगा जब भी आप सोने जाते हैं अपने बिस्तर पर बेड पर, ये ध्यान दीजिएगा आप दिन भर में क्या किया है, किन लोगों को मदद किया, कितने लोगों को मदद किया। मुझे इन सब चीज़ों करने में बहुत हेल्प सेटिस्फेक्शन अंदर से लगता है कि मैं सही जानकारी दे रहा हूँ एक तो, और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ दूसरा, और कई लोगों को मैं सेटिस्फाइड कर पाता हूँ, उम्मीद जताता हूँ, और उनकी आशाओं को जलाने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद देने की कोशिश करता हूँ जहाँ से हो सकता है एजुकेशन, क्योंकि मेरे पास एजुकेशन का नॉलेज का जो भी है जितना भी परसेंटेज हूँ उसको बांटने की कोशिश करता हूँ। YouTube इज रिसीविंग इनफ वीडियो इन मेंटेनिंग द स्मूथ मेंटेनेंस एज मच योर व्यूअर्स एक्सपीरियंस ऑफ बफरिंग। ओके ओपन बजट, दैट्स इशू। चलिए थोड़ा बफरिंग इशू आ रही होगी क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो बनी हुई होगी। आई होप कि आपको सभी लोग को सॉल्व हो गया होगा। मैं इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। मैंने सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया, मेरे व्हाट्सअप टेलीग्राम में आया था क्वेश्चन, उसको सॉल्व किया। आपने क्वेश्चन हजारों सैकड़ों में जो आपने क्वेश्चन किया उसका मैंने जवाब दिया, क्योंकि ज़्यादा तो मैंने इस सेशन को रखा आपके क्वेश्चन जवाब को दिया जाए, क्योंकि कई लोग इस सेशन को नहीं लेते हैं और आपके क्वेश्चन आंसर को जवाब देने की कोशिश भी नहीं करते, सिर्फ आए रिकॉर्डेड वीडियो बनाया 5 मिनट 10 मिनट का बना करके चले गए। मिलियन में सब्सक्राइबर आ रही है, मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, दैट्स नॉट एफर्ट्स टू हिम, उनको फर्क नहीं पड़ता है आपसे पर क्या बीत रही है। राजीव यादव जी फीमेल अदर स्टेट में 53, प्लीज बताइएगा आपका नंबर वर्ष किया है, दैट्स अ गुड थिंग्स। अभी आप 53 बता रहे हैं या फिर हाँ 50 बता रहे थे, 53 नंबर, अब आपका चांसेस बनता है, आप एक नंबर पीछे हैं तो एक दो नंबर और भी बढ़ जाता है, तो दैट्स अ गुड थिंग्स। आई डोंट थिंक कि आपका 3 नंबर इतना जल्दी कैसे बढ़ गया। राहुल कुमार सर 125 नंबर में EBC का क्या कट ऑफ रहेगा? 125 नंबर आपको बन रहा है, आप क्वेश्चन को फिर भी वेरीफाई कीजिएगा, आप मैं शायद समझ नहीं पा रहा हूँ सर। 60 जनरल में एनी चांसेस, बिल्कुल चांसेस बनता है, 100 क्लासेस। चलिए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी सभी लोग दबा दीजिएगा, एटलीस्ट 50 लाइक्स आप पहुँचा दीजिएगा, 50 लाइक्स तक पहुँचा दीजिएगा। बंगाली का कटअप कितना जाएगा? बंगाली में टोटल आपका है 148 सीटों की संख्या थी, उतने लोग भी नहीं आए तो कटअप की चर्चा ही नहीं हो सकती है। आप जितना बता सकते हैं कितना नंबर आपका सौरभ जी बना है बता दीजिएगा। दबांग तिवारी जी सर गुड इवनिंग सर, यूपी से जनरल फीमेल 57, क्या कुछ उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है आपका, दबंग ऑलरेडी है आप, कोई सोच नहीं। सीटेट संग्राम ऑनलाइन क्लासेस जनरल मेल में यूपी से 62 है, क्या उम्मीद है सर? बिल्कुल आपका ऑलरेडी आप क्लासेस लेते हैं संग्राम संसार सॉरी संसार ऑनलाइन क्लासेस, आपका चैनल भी आपको प्रमोट करवाना है तब भेज दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपको 62 में चांसेस बनता है, दैट्स ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तौसीफ राजा जी सर, मैं मेरा नाम में के जगह पर लिखा गया, क्या लिखा गया? ए लिखा गया है, मैं BSc B इनिशियल करा लिया हूँ। ओके करा लिया, आपको कमेंट्स ऊपर जा रहा है, अटेस्टेड कराने की ज़रूरत है क्या? एक बार फिर से आपको कमेंट्स कीजिएगा। अब सर मेरा नेम में ओ के जगह पर ए आ गया, ओके ओके, आपका स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप हैप्पी डेबिट बनवा लीजिए, और उसको करके आप कल 21 तारीख से लेकर के 25 तक अपलोड कर सकते हैं, एक बार दोबारा चीज़ चेक करवा लीजिएगा हमसे, एक और व्हाट्सअप हमें कर दीजिएगा सारी चीज़ें। सर कंप्यूटर साइंस का कितना कट ऑफ हो जाएगा?
कटम कंप्यूटर साइंस का सीटों की संख्या बहुत है और लाभ वेकेंट कम है, तो आपका 50+ आप जितने भी लोग हैं 45+ 48 सभी लोग का हो जाएगा। प्रियंका यादव 58, अदर स्टेट्स यू आर कितना चांस है? 55 में आपका चांसेस बनती है, 90-80%, 100% इवन कर सकता हूँ मेरे एंड से तो आपको चांसेस बनता है, बस आप डॉक्यूमेंट्स सभी रेडी रखिएगा और सही रखिएगा। रहमान जी का मेरा NCL में और अपलोड हो गया है, क्या चीज़ और अपलोड हो, और का और अपलोड हो गया मतलब दूसरे का अपलोड हो गया कंप्यूटर साइंस से, ठीक है आप अब NCL को फिर से ठीक कर लीजिएगा अपलोड करने के, आपका आई थिंक आप 9th से 10th वाले होंगे तो आपको ऑप्शंस नहीं मिलेगा, सिर्फ PRT वाले को ऑप्शंस मिलेगा। दीपक कुमार कह रहे हैं मेल फीमेल इम्यूनाइजेशन होगा ये ना सर, फीमेल क्वेश्चन ईजी था एज पर मेल, ये बिल्कुल आपको इम्यूनाइजेशन नहीं होगा, रीजन बाय है कि उनका सीटों की संख्या अलग है, उनका क्वेश्चन पेपर अलग इसीलिए लिया गया था, उनका एग्जामिनेशन आपका अगले दिन यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, आपको बॉयज का गर्ल्स का हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, तो दोनों का अलग सिचुएशन, आप क्यों नॉर्मलाइजेशन पर जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने BPSC वाले ने पहले ही खेला खेल दिया था, रीजन वाइज है कि आपको नॉर्मलाइजेशन के झमेला बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, सेंट्रल लेवल पर आप रेलवे की जाएंगे या फिर SSC के लिए जाएंगे BPSC के लिए जाएंगे तो समझ नहीं आती है, कई लोग कई टीचर्स हैं जो 10 साल से 15 साल से पढ़ा रहे हैं या जो बना रहे हैं उनको भी समझ नहीं आती ये फॉर्मूला ये सारी चीज़ें किस तरह से बैठता है, कई लोग का नंबर बढ़ जाता है कई लोग का घट जाता है, इश्यूज हो जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन इसमें खेला ही नहीं होगा, आप दीपक जी आप निश्चिंत रहें, ये दोनों का अलग अलग चेंजेस है, इजी है किसी का डिफिकल्ट आया है ना, वो आपको खेलना ही नहीं इसमें। चलिए जी सर, एफिडेविट करके अपलोड करना है या बाद में DV में? अब अपलोड कर दीजिएगा अभी अपने एंड से एफिडेविट करके अपलोड कर दीजिएगा, उसमें आपको कल आपको जो चेंजेस आता है मैं आपको बता दूंगा, एक बार लाइव करके देख लीजिएगा, 1 दिन 2 दिन वेट कीजिएगा, 21 तारीख 22 तारीख वेट कीजिएगा, 23 तारीख आप अपना चेंजेस कीजिएगा, सभी लोग को मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप आइडियल जो टाइम रहेगा सभी लोग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, 1 से 2 दिन तक आप वेट कीजिएगा, 1 से 2 दिन तक वेट करना है यानी 21-22 को वेट करना है, 23 को आपको अपलोड करना है और 23-24 को फिर 25 को रेड जोन हो जाएगा, 23 कंप्लीट कर दिएगा। NCL का हार्ड कॉपी सबमिट किया है? अगर आपने NCL का हार्ड कॉपी सबमिट किया आपका सही है तो दैट्स ओके, अगर गलत है तो उसको दोबारा से, अगर आपके पास जो सही आ चुका है तो उस NCL को, अगर पुराना है 22 जुलाई से पहले का तो उसको अटेस्टेड करवा लीजिएगा गजिस्ट्रेट ऑफिसर से, किसी से भी प्रिंसिपल ही हो या फिर डॉक्टर हो या फिर अब आपने जिस ब्लॉक से बनवाए वहाँ के RO से आप करवा करके सबमिट कर दीजिएगा। चलिए आपने दोनों करवा लिया है, नहीं एफिडेविट भी बनवा लिया है आपने, हार्ड कॉपी भी बनवा लिया है, तो हार्ड कॉपी को आपसे अब सबमिट कर दीजिएगा, एफिडेविट आप DV के टाइम के लिए रखिएगा, DV के टाइम पार्सल DV होगा या फिर फाइनल DV होगा उसके लिए फॉर द सेफ्टी साइड आप बनवा कर रखिएगा, ठीक है कोई सूझ नहीं है, आपने दोनों काम करवा लिया, दैट्स अ गुड थिंग्स, ऐसे कैंडिडेट होना चाहिए जो कि दोनों काम करके ऑलरेडी बैठे हुए हैं फिर भी क्वेश्चन कर रहे हैं फॉर द क्लेरिफिकेशन सेटिस्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट है 67 नंबर, बिहार फीमेल UR कैंडिडेट कितना सेफ है? 100% सेफ है, कोई भी इशूज नहीं। MD आजाद सर पिन कोड में गलती हो गया है, एफिडेविट वर्मा बनाना है सर, पिन कोड में गलती हो गया तो आपको सुधार करने के कल ऑप्शंस मिले, कल से 21 तारीख से लेकर 25 तक मिलेगा, आप चेंज कर लीजिएगा कोई इशूज नहीं, अगर मिलता है पोर्टल आपको एडिट करने का ऑप्शन मिला है मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज पिन कोड के लिए इशूज नहीं आएगा, एफिडेविट इसमें आप बनवा सकते हैं, पिन कोड या स्पेलिंग मिस्टेक के लिए आप बनवा सकते हैं। सर मैं कब, क्या क्वेश्चन है सर मैं कब से पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहे हैं आप, 1 मिनट में क्वेश्चन में देख लेता हूँ कि बार बार कमेंट्स आता रही हूँ कि मेरा से 49 नंबर मार्क्स आ रहा है PRT में बिहार से UR फीमेल में, एनी चांसेस? बिल्कुल आपका चांसेस बनता है, क्लियर मैंने बताया था आपको, यहाँ से देख सकते हैं, मैं यही पर ही आपको कॉमेंट्स छोड़ देता हूँ, मैं आपको मैं दूसरे टैब से मैं देख लूंगा आपके कॉमेंट्स को। चलिए फीमेल के लिए जितने भी लोग हैं ये आपको सारा कट ऑफ जो है फीमेल के लिए है, 49 में आपको चांसेस बनती है, 48 से 52 वाले जितने भी लोग हैं सभी लोग का चांसेस बनता है, कोई क्वेश्चन रहता है तो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर से देख लेता हूँ, नो डाउट। नेक्स्ट खातुम जी थैंक यू सो मच, उमेश यादव PS से हैं और सर 36 नंबर है, हो जाएगा 33 या 36, 336 लिख रहे हैं या एक बार सही करके बताइएगा कन्फर्म कर। विवेक कुमार कर रहे हैं सर EWS में से क्वालिफाइंग मार्क्स 48 है बट मेरा 42 आ रहा है 125 में, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो चांसेस कम बनते हैं क्योंकि मैंने 2-3 नंबर कम किया है, 45 भी मैंने रखा है, एनी हाउ
आप होप रखिए, चांसेस रखिए कि अगर ऑब्जेक्शन के बाद 2-4 नंबर बढ़ जाती है, 46, 47, 80, 48 तक बन जाती है, तो आपका चांसेस बनेगी। और नेक्स्ट है अर्पना सहाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपको भी थैंक यू। लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा करके आप चले जाइए। गुड नाइट आप लोग के लिए, जो लोग आपको क्वेश्चन है आपकी, इन लोगों का क्वेश्चन पूछिएगा, अदरवाइज इसको वीडियो को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उमेश यादव, पीएस से अपने क्वेश्चन वेरीफाई कीजिएगा फिर से। कूल चीकू सर, मेरा आधार कार्ड में मिका का एड्रेस है, सॉरी माइका का एड्रेस है ऑलरेडी, ओके माइका का एड्रेस है, जो मैंने फॉर्म फिल करते के टाइम अपलोड किया था, मैंने किया है, मैंने बाद में ससुराल का एड्रेस अपडेट कराए हूँ, क्या हो करूँ? ससुराल का आपको, क्योंकि एड्रेस वेरिफिकेशन डोमिसाइल आपको करना था, हालांकि डोमिसाइल हटा दिया है, तो इशूज इसमें ज़्यादा नहीं होगा, कोई इशूज नहीं है, आपको वही रहने दीजिए। एडिट करने का कल 21 से 25 तक ऑप्शन आता है, एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा हमसे। 11, 12 का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, क्या कि 11 से 12 वाले जितने भी लोग हैं उच्च माध्यमिक के लिए, उनके लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए क्या करना, उनके लिए शायद पेट आपका नहीं ऑप्शन से, आपका ऑलरेडी डीवी हो चुका है, पार्सल वेरिफिकेशन हो चुका है, तो आपको वो चांसेस नहीं मिलेगा। चलिए आई होप कि आप इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फिर भी क्वेश्चन आ रहा है सर, मैंने कितने बार लोगों से लाइव में सेशन में पूछा था, आपने मेरी टेंशन दूर कर दी, दैट्स ओके। अर्पना सहाय जी, थैंक यू सो मच, आपका टेंशन दूर हो गया, मुझे अच्छा लगा, कुछ तो आपका दूर हुआ, टेंशन दूर रहिए, साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स भी आप रेडी रखिए, और मैं आशा करूँगा आपका सलेशन हो जाए, बिहार के बच्चों को आप अच्छे से पढ़ाएंगे, मेरी ये पूरी तो शुभकामना है। ये आपका जंग यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, जंग आपका एट द एंड मोमेंट में ख़त्म होगा, जंग आपका जारी होगा फिर से, क्योंकि सेकेंड पार्ट आपका चलेगा, ये आपका इंटरवल का टाइप है, आपका लाइफ का इंटरवल हो सकता है, आने वाला जो है सिचुएशंस, आने वाले जो काम करने वाले हैं वहाँ पर अलग सिचुएशंस होगा सभी लोग का, वो और भी मज़ेदार होगा, और भी डिफिकल्ट होगा, और भी सारे चलते रहेगा। चलिए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। अपना अनन्या जी कह रहे हैं सर 48 है बिहार से, फीमेल में, फीमेल से सर 48 है बिहार, बिहार से, मैंने आपको देखे कटअप, मैंने आपका स्क्रीन पर लगा दिया है, आपका बाउंड्री पर है, आपको चांसेस बनती है 48। नेक्स्ट है दानिश, दानिश खान सर, मैं बिहार से हूँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूँ, और पीआरटी में ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड से डीएलएड भरा है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपके पास है, दिक्कत क्या है? अगर आप पीजी भी कर रखे होते तो भी आप भर सकते हैं, दैट्स ओके, पीएचडी भी करते तो भी दिक्कत नहीं, मिनिमम कैटेगरी जो है आपका डीएलएड आप पास है, कोई इशूज नहीं है इसमें। स्पोर्ट्स फॉर एवर का क्वेश्चन है सर, 55 अदर स्टेट से, एनी चांस?